दोस्तों जानेंगे बंगाली मूवी जैकपॉट के बारे में, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2009 में और जिसको डायरेक्ट करा था कौशिक गांगुली ने। फिल्म में नजर आए हैं हिरण चैटर्जी, कोयल मलिक, राहुल बनर्जी, साथ ही सुहिनी पॉल जो कि बेटी है तपस पॉल की। सुहिनी पॉल की ये सेकंड फिल्म रही है आफ्टर हर डेब्यू फिल्म बो बराक के बाद। एंड बात की जाए फिल्म का जो प्रोडक्शन किया गया था वो था श्री वेंकटेश फिल्म्स की तरफ से। प्रोड्यूस करी थी फिल्म श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी ने, जबकि फिल्म में जो म्यूजिक ट्रैक रहा था वो रहा था जीत गांगुली का। बात करते हैं आखिर क्या स्टोरी लाइन रही है और जो कैरेक्टर्स रहे हैं उनका क्या रोल था इसमें। फिल्म जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है एक रियलिटी शो के, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय स्टार आनंदा, जिसमें कि दो फाइनलिस्ट होते हैं, अर्का जो कि हिल्स से है और डोडो जो कि सुंदरबंस से बिलोंग करता है, जिनको टास्क दिए जाते हैं और दोनों ही फुलफिल करते हैं। डोरो को दी जाती है ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल की भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, जबकि अलका को ड्यूटी दी जाती है एक ड्राइवर की। 3 दिन और 2 नाइट की ये बैटल होती है उनके बीच में और प्राइज रहता है 1 करोड़ का, जिसमें कि एक ने कुछ मिस्टेक्स करी थी जैकपॉट को जीतने के लिए, जिसमें कि एंकर सुमन दे होस्ट बनते हैं और एक रन अवे है फ्रॉम द मेंटल हॉस्पिटल। मेहम जो है बिगिन करता है वैन पीयू कि ओल्डर सिस्टर ब्रदर इन लॉ रिपोर्ट करते हैं भवानीपुर पुलिस स्टेशन में। एंड अर्क जो कि जिसको पता चलता है पीयू के एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में, एज अर्क और डोडो दोनों ही डिस्गस हैं और दे यूज फेक नेम्स अपनी रियल आइडेंटिटी को कवर अप करने के लिए। अर्क बनता है जाकी और डोडो बनता है पोटला। दस वाइल अर्क फ्लीज टू हिल्स विद पीयू अपनी जॉब जो है उसको फुलफिल करने के लिए और मनी विन करने के लिए। डोडो जाता है गोल्डर के साथ और मिट्टू के साथ स्टार्ट करता है चेस करना उन्हें, बट उन्हें पता नहीं होता है कि पीयू एक्चुअली किसके साथ है, मतलब अर्का के साथ है बट उन्हें नहीं पता होता। आफ्टर मच फज अर्का मैनेज करता है टू टेक पीयू टू हर लॉस्ट लव, एंड जो जो डोडो है वो कैच कर लेता है उन्हें। अर्का और डोडो दोनों ही क्राउन करने जाते हैं विद द चैंपियंस। अर्का डोनेट द एंटायर 50 लाख्स फॉर पीयूज मेंटल एक्सपेंसेस। डोडो डोनेट करता है अपने 50 लाख सेम पर्पस के लिए, सेम नोबल कॉज के लिए, और रिवील कर दिया जाता है कि जो डोडो अर्का है दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड डोडो ने परसुएट करा था अर्का को कि वो पार्टिसिपेट करे शो में। मिटू और डोडो दोनों लव बर्ड्स बन जाते हैं, वाइल अर्क अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो डिवोट करती है अनाथ आश्रम को, जो कि लोनली और मेंटली स्टैग्नेटेड है प्यू के लिए। पूरा टाइम और कंसंट्रेशन उसी को देती है। आखिरकार क्या कास्टिंग रही है और किसने अर्को का रोल निभाया, किसने पीयू का रोल निभाया, जानेंगे इनके बारे में। तो हिरन जो कि नजर आए थे एज अर्को और कोयल मलिक निभा रही थी पीयू का कैरेक्टर, जबकि राहुल देखे गए थे एज डोडो इन द फिल्म। सुहिनी पॉल देखी गई एज मिठू इन द फिल्म। विश्वजीत चक्रवर्ती नजर आए थे एज पुलिस इंस्पेक्टर बोरो बाबू, और देव नजर आए थे स्पेशल अपीयरेंस में फॉर द रीमेक ऑफ द सॉन्ग जिबोने की पबोना। और फिल्म का जो साउंड ट्रैक रहा है मोस्टली दिया गया है बाय डिफरेंट सिंगर्स सच एज शान, जोजो, नचिकेता चक्रवर्ती, श्रेया घोषाल। दोस्तों साउंड ट्रैक की बात करी जाए तो फिल्म के जो साउंड ट्रैक्स रहे थे वो रहे सरताज जिबोने की पबोना, सेलिब्रिटी, भोला जीना, आरी आरी, आज के हाथ बारी, आमी चंचला ही, काल के चिलम जाजबर, पृथ्वी अनेक बोरो, और अप्रॉक्स देखा जाए तो
लगभग आधे घंटे का साउंड ट्रैक रहा है फिल्म में। तो दोस्तों जानते हैं जो स्टार कास्ट थी उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिरन के बारे में जो कि आर्को का रोल निभाते हुए नजर आए थे। हिरन यानी कि हिरन चाटर्जी जो कि एक टॉलीवुड फिल्म एक्टर हैं और साथ ही मेंबर हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के खड़गपुर सदर से एंड काफ़ी टाइम से जो है एनजीओ के लिए वर्क करते आए हैं। वॉइस ऑफ वर्ल्ड है और जो कि प्रोवाइड करते हैं एड टू विजुअली और फिजिकली चैलेंज स्ट्रीट चिल्ड्रन को। बात की जाए उनके करियर की तो रेसिडेंट रहा है उनका उलुबेरिया, एक सब डिविजन टाउन है हावड़ा में। उन्होंने अपना बचपन वहीं बिताया है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने करी थी एज अ सीनियर मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्री से एट मुंबई। और पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इलेक्ट हुए हैं एज मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से फ्रॉम खड़गपुर सदर एंड डिफीट करा था प्रदीप सरकार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जो कि बाय 3771 वोट से रहे थे 2021 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से। तो वही इलेक्ट करे गए थे एज अ काउंसलर ऑफ वार्ड 33 खड़गपुर म्यूनसिपैलिटी वेस्ट बंगाल से 2022 में। तो वही बात की जाए उनके फिल्म्स की तो पार्ट रह चुके हैं नवाब नंदनी, भालू भाषा, चिरो साथी, माँ अमार मार, अलॉट पलॉट, रेस्ट, मौनजे कोरे उरु, माचो मस्ताना, ले हलवा ले, मिस्ती छेलर, दुस्तु बुदी, मजनू, जमाई 420, महराली, जियो पागला, होई चोई अनलिमिटेड, जमाई बादल, थाई करी, जियो जमाई, जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स में ही नजर आए हैं। बात की जाए कोयल मलिक की जो कि पीयू का रोल निभा रही थी इन द फिल्म इज वॉज बॉर्न एज रुक्मणी मलिक एंड इज एन इंडियन एक्ट्रेस और काफ़ी सारी बंगाली फिल्म्स में नजर आई हैं। बेटी है ऑफ डॉक्टर ऑफ एक्टर सॉरी रंजीत मलिक की एंड मेड हर डेब्यू विद द फिल्म नाटेल गुरु मोन मानिना बेज करौची प्रेम करौची से। उनकी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा उनके वर्क को पसंद कराया गया है। करियर की बात करें तो स्क्रीन डेब्यू हुआ था उनका अपोजिट एक्टर जीत और एक रनअवे सक्सेस रही थी नाटेल गुरु बॉक्स ऑफिस पर। तो वहीं रिलीज हुई थी 2003 में एंड मार्क्ड हर एंट्री इनटू टॉलीवुड एंड आल्सो वॉन हर फर्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल में फ्रॉम 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 फॉर द फिल्म। तो वही 2004 में स्टार्ट करा था देवी पाक्षा के साथ शुदु तुमी बादशाह द किंग और बंधन में और पहली दो परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी बेकार रही थी हालांकि बॉक्स ऑफिस पर। और बंधन जो कि एक ह्यूज सक्सेस साबित हुई थी बंगाल में और ब्लॉकबस्टर भी रही बॉक्स ऑफिस पर। सिर्फ इतना ही नहीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली फिल्म थी 2004 की। अदर देन दिस टेलीविजन पर भी करियर देखा गया है उनका जो कि पहला शो आया था यानी कि डेब्यू करा था जी बांग्ला के फर्स्ट शो महाल्या से ईयर 2007 में एज देवी महिषा सुर्ख मर्दनी से और उनके काफ़ी सारे अवतार भी देखे गए थे। वॉज ऑल्सो अपियर्ड इन दीदी नंबर वन जो कि ईयर 2010 में आया था और सेलिब्रेट हुआ था एज हुई थी एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट। अदर देन दिस उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी रहे हैं जैसे कि काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए उन्होंने एड्स किए हैं कमर्शियल्स किए हैं टेलीविजन पर जैसे कि आपका TVS मोटर कंपनी है फेयर एंड लवली पैनासोनिक वैसलीन जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए काम कर चुके हैं। अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड विनर रही हैं ऑफ लाइक 4th टेलीसिने अवार्ड्स
2004 में, 2006 में कलाकार अवार्ड फॉर शुभदृष्टि, जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म बोलो ना तुम्ही अमार 2010 में आई थी, स्टार जलसा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, BFJ अवार्ड फॉर हेमलॉक सोसाइटी एंड काफ़ी और भी अवार्ड रहे हैं। सचाए से हेमलॉक सोसाइटी के लिए उन्होंने जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड भी विन करा था। मिथिन माशी 2019 में उन्हें मिला था फॉर फ्रॉम द फिल्म्स एंड फ्रेम्स डिजिटल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस का। दोस्तों जानेंगे बंगाली मूवी जैकपॉट के बारे में जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2009 में और जिसको डायरेक्ट करा था कौशिक गांगुली ने। फिल्म में नजर आए हैं हिरण चैटर्जी, कोयल मलिक, राहुल बैनर्जी, साथ ही सुहिनी पॉल जो कि बेटी है तपस पॉल की। सुहिनी पॉल की ये सेकंड फिल्म रही है आफ्टर हर डेब्यू फिल्म बो बराक के बाद। एंड बात की जाए फिल्म का जो प्रोडक्शन किया गया था वो था श्री वेंकटेश फिल्म्स की तरफ से। प्रोड्यूस करी थी फिल्म श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी ने, जबकि फिल्म में जो म्यूजिक ट्रैक रहा था वो रहा था जी गांगुली का। बात करते हैं आखिर क्या स्टोरी लाइन रही है और जो कैरेक्टर्स रहे हैं उनका क्या रोल था इसमें। फिल्म जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है एक रियलिटी शो के जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय स्टार आनंदा, जिसमें कि दो फाइनलिस्ट होते हैं अर्का जो कि हिल्स से है और डोडो जो कि सुंदरबंस से बिलोंग करता है, जिनको टास्क दिए जाते हैं और दोनों ही फुलफिल करते हैं। डोरो को दी जाती है ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल की भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, जबकि अलका को ड्यूटी दी जाती है एक ड्राइवर की। 3 दिन और 2 नाइट की ये बैटल होती है उनके बीच में और प्राइज रहता है 1 करोड़ का, जिसमें कि एक ने कुछ मिस्टेक्स करी थी जैकपॉट को जीतने के लिए, जिसमें कि एंकर सुमन दे होस्ट बनते हैं और एक रन अवे है फ्रॉम द मेंटल हॉस्पिटल। मेहम जो है बिगिन करता है व्हेन पीयू की ओल्डर सिस्टर ब्रदर इन लॉ रिपोर्ट करते हैं भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, एंड अर्क जो कि जिसको पता चलता है पीयू के एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में। एज अर्क और डोडो दोनों ही डिस्कस हैं और दे यूज फेक नेम्स अपनी रियल आइडेंटिटी को कवर अप करने के लिए। अर्का बनता है जैकी और डोडो बनता है पोर्टला। दैट्स व्हाइल अर्का फ्लीस टू हिल्स विद पीयू अपनी जॉब जो है उसको फुलफिल करने के लिए और मनी विन करने के लिए। डोडो जाता है गोल्डर के साथ और मिट्टू के साथ स्टार्ट करता है चेस करना उन्हें, बट उन्हें पता नहीं होता है कि पीयू एक्चुअली किसके साथ है, मतलब अर्का के साथ, बट उन्हें नहीं पता होता। आफ्टर मच फज अर्का मैनेज करता है टू टेक प्यू टू हर लॉस्ट लव, एंड जो डोडो है वो कैच कर लेता है उन्हें। अर्का और डोडो दोनों ही क्राउन करे जाते हैं विद द चैंपियंस। अर्का डोनेट द एंटायर 50 लाख्स फॉर प्यूज मेंटल एक्सपेंसेस। डोडो डोनेट करता है अपने 50 लाख सेम पर्पस के लिए, सेम नोबल कॉज के लिए, और रिवील कर दिया जाता है कि जो डोडो अर्का है दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड डोडो ने परसुएड करा था अर्का को कि वो पार्टिसिपेट करे शो में। मिटू और डोडो दोनों लव बर्ड्स बन जाते हैं वाइल अर्का अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो डिवोट करती है अनाथ आश्रम को, जो कि लोनली और मेंटली स्टैग्नेटेड है प्यू के लिए, पूरा टाइम और कॉन्सेंट्रेशन उसी को देती है। आखिरकार क्या कास्टिंग रही है और किसने अर्को का रोल निभाया, किसने पीयू का रोल निभाया, जानेंगे इनके बारे में। तो हिरन जो कि नजर आए थे एज अर्को और कोयल मलिक निभा रही थी पीयू का कैरेक्टर, जबकि राहुल देखे गए थे एज डोडो इन द फिल्म, सुहिनी पॉल देखी गई एज मिठू इन द फिल्म, विश्वजीत चक्रवर्ती नजर आए थे एज पुलिस इंस्पेक्टर बोरो बाबू, और देव नजर आए थे स्पेशल अपीयरेंस में फॉर द रीमेक
द सॉन्ग जिबोने की पबोना। और फिल्म का जो साउंड ट्रैक रहा है मोस्टली दिया गया है बाय डिफरेंट सिंगर्स सच एज शान, जोजो, नचिकेता चक्रवर्ती, श्रेया घोषाल। दोस्तों साउंड ट्रैक की बात करी जाए तो फिल्म के जो साउंड ट्रैक्स रहे थे वो रहे सच एज जिबोने की पबोना, सेलिब्रिटी, भोला जीना, आरी आरी, आज के हाथ बारी, आमी चंचला ही, काल के चिलम जाजब, पृथ्वी अनेक बोरो, और अप्रॉक्स देखा जाए तो लगभग आधे घंटे का साउंड ट्रैक रहा है फिल्म। तो दोस्तों जानते हैं जो स्टार कास्ट थी उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिरन के बारे में जो कि आर्को का रोल निभाते हुए नजर आए थे। हिरन यानी कि हिरन चाटर्जी जो कि एक टॉलीवुड फिल्म एक्टर हैं और साथ ही मेंबर हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के खड़गपुर सदर से, एंड काफ़ी टाइम से जो है एनजीओ के लिए वर्क करते आए हैं। वॉइस ऑफ वर्ल्ड है और जो कि प्रोवाइड करते हैं एड टू विजुअली और फिजिकली चैलेंज स्ट्रीट चिल्ड्रन को। बात की जाए उनके करियर की तो रेसिडेंट रहा है उनका उलुबेरिया, एक सब डिविजन टाउन है हावड़ा में। उन्होंने अपना बचपन वहीं बिताया है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने करी थी एज अ सीनियर मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज से एट मुंबई। और पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इलेक्ट हुए हैं एज मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से फ्रॉम खड़गपुर सदर, एंड डिफीट करा था प्रदीप सरकार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जो कि बाय 3771 वोट से रहे थे 2021 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से। तो वहीं इलेक्ट करे गए थे एज अ काउंसलर ऑफ वार्ड 33 खड़गपुर म्यूनिसपैलिटी वेस्ट बंगाल से 2022 में। तो वहीं बात की जाए उनके फिल्म्स की तो पार्ट रह चुके हैं नवाब नंदनी, भालू भाषा, भालू भाषा, चिरो साथी, माँ अमार मार, अलौट पलौट, रिस्क, मौनजे कोरे उरु, माचो मस्ताना, ले हलवा ले, मिस्ती छेलर, दुस्तू बुदी, मजनू, जमाई 420, मेहराली, जियो पागला, होई चोई अनलिमिटेड, जमाई बादल, थाई करी, जियो जमाई जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स में ही नजर आए हैं। बात की जाए कोयल मलिक की जो कि पीयू का रोल निभा रही थी इन द फिल्म, इज वॉज बॉर्न एज रुक्मणी मलिक एंड इज एन इंडियन एक्ट्रेस और काफ़ी सारी बंगाली फिल्म्स में नजर आई हैं। बेटी है ऑफ डॉक्टर ऑफ एक्टर सॉरी रंजीत मलिक की एंड मेड हर डेब्यू विद अ फिल्म नाटेर गुरु, मोन मानेना, बेज करौची, प्रेम करौची से उनकी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा उनके वर्क को पसंद कराया गया है। करियर की बात करें तो स्क्रीन डेब्यू हुआ था उनका अपोजिट एक्टर जीत और एक रनअवे सक्सेस रही थी नाटेर गुरु बॉक्स ऑफिस पर। तो वहीं रिलीज हुई थी 2003 में एंड मार्क्ड हर एंट्री इनटू टॉलीवुड एंड आल्सो वॉन हर फर्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल में फ्रॉम 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 फॉर द फिल्म। तो वहीं 2004 में स्टार्ट करा था देवी पाक्षा के साथ शुरू तुमी, बादशाह, द किंग और बंधन में, और पहली दो परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी बेकार रही थी हालांकि बॉक्स ऑफिस पर। और बंधन जो कि एक ह्यूज सक्सेस साबित हुई थी बंगाल में और ब्लॉकबस्टर भी रही बॉक्स ऑफिस पर। सिर्फ इतना ही नहीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली फिल्म थी 2004 की। अदर देन दिस टेलीविजन पर भी करियर देखा गया है उनका जो कि पहला शो आया था यानी कि डेब्यू करा था जी बांग्ला के फर्स्ट शो महाल्या से ईयर 2007 में एज देवी महिषा
सिर्फ मर्द नहीं सी और उनके काफ़ी सारे अवतार भी देखे गए थे। वॉज ऑल्सो अपियर्ड इन दीदी नंबर वन जो कि ईयर 2010 में आया था और सेलिब्रेट हुआ था एज हुई थी एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट। अदर देन दिस उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए उन्होंने एड्स किए हैं, कमर्शियल्स किए हैं टेलीविजन पर, जैसे कि आपका TVS मोटर कंपनी है, फेयर एंड लवली, पैनासोनिक, वैसलीन, जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए काम कर चुके हैं। अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड विनर रही हैं ऑफ लाइक 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 में, 2006 में कलाकार अवार्ड्स फॉर शुभोद दृष्टि, जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म बोलो ना तुम्ही अमार 2010 में आई थी, स्टार जलसा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, BFJ अवार्ड फॉर हेमलॉक सोसाइटी एंड काफ़ी और भी अवार्ड रहे हैं। सचाज हेमलॉक सोसाइटी के लिए उन्होंने जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड भी विन करा था। मिथिन माशी 2019 में उन्हें मिला था फॉर फ्रॉम द फिल्म्स एंड फेम्स डिजिटल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस का। दोस्तों जानेंगे बंगाली मूवी जैकपॉट के बारे में जो कि रिलीज़ हुई थी ईयर 2009 में और जिसको डायरेक्ट करा था कौशिक गांगुली ने। फिल्म में नज़र आए हैं हिरण चैटर्जी, कोयल मलिक, राहुल बैनर्जी, साथ ही सुहिनी पॉल जो कि बेटी है तपस पॉल की। सुहिनी पॉल की ये सेकंड फिल्म रही है आफ्टर हर डेब्यू फिल्म बो बराक के बाद। एंड बात की जाए फिल्म का जो प्रोडक्शन किया गया था वो था श्री वेंकटेश फिल्म्स की तरफ से। प्रोड्यूस करी थी फिल्म श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी ने, जबकि फिल्म में जो म्यूजिक ट्रैक रहा था वो रहा था जी गांगुली का। बात करते हैं आखिर क्या स्टोरी लाइन रही है और जो कैरेक्टर्स रहे हैं उनका क्या रोल था इसमें। फिल्म जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है एक रियलिटी शो के जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय स्टार आनंदा, जिसमें कि दो फाइनलिस्ट होते हैं अर्का जो कि हिल्स से है और डोडो जो कि सुंदरबंस से बिलोंग करता है, जिनको टास्क दिए जाते हैं और दोनों ही फुलफिल करते हैं। डोरो को दी जाती है ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल की भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, जबकि अलका को ड्यूटी दी जाती है एक ड्राइवर की। 3 दिन और 2 नाइट की ये बैटल होती है उनके बीच में और प्राइज रहता है 1 करोड़ का, जिसमें कि एक ने कुछ मिस्टेक्स करी थी जैकपॉट को जीतने के लिए, जिसमें कि एंकर सुमन दे होस्ट बनते हैं और एक रन अवे है फ्रॉम द मेंटल हॉस्पिटल। मेहम जो है बिगिन करता है वैन प्यू की ओल्डर सिस्टर ब्रदर इन लॉ रिपोर्ट करते हैं भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, एंड अर्क जो कि जिसको पता चलता है प्यू के एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में। एज अर्क और डोडो दोनों ही डिस्गस हैं और दे यूज फेक नेम्स अपनी रियल आइडेंटिटी को कवर अप करने के लिए। अर्का बनता है जैकी और डोडो बनता है पोर्टा। दस वाइल अर्का फ्रीज टू हिल्स विद प्यू अपनी जॉब जो है उसको फुलफिल करने के लिए और मनी विन करने के लिए, डोडो जाता है गोल्डर के साथ और मिट्टू के साथ स्टार्ट करता है चेस करना उन्हें, बट उन्हें पता नहीं होता है कि प्यू एक्चुअली किसके साथ है, मतलब अर्का के साथ, बट उन्हें नहीं पता होता। आफ्टर मच फज अर्का मैनेज करता है टू टेक प्यू टू हर लॉस्ट लव, एंड जो डोडो है वो कैच कर लेता है उन्हें। अर्का और डोडो दोनों ही क्राउन करे जाते हैं विद द चैंपियंस। अर्का डोनेट द एंटायर 50 लाख्स फॉर प्यूज मेंटल एक्सपेंसेस। डोडो डोनेट करता है अपने 50 लाख सेम पर्पस के लिए, सेम नोबल कॉज के लिए, और रिवील कर दिया जाता है कि जो डोडो अर्का है दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड डोडो ने परसुएड करा था अर्का को कि वो पार्टिसिपेट करे शो में। मिटू और डोडो दोनों लव बर्ड्स बन जाते हैं वाइल अर्का अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो डिवोट करती है अनाथ आश्रम को, जो कि लोनली और
मेंटली स्टैग्नेटेड है, फ्यू के लिए पूरा टाइम और कॉन्सेंट्रेशन उसी को देती है। आखिरकार क्या कास्टिंग रही है और किसने अर्को का रोल निभाया, किसने पीयू का रोल निभाया, जानेंगे इनके बारे में। तो हिरन जो कि नज़र आए थे एज अर्को, और कोयल मलिक निभा रही थी पीयू का कैरेक्टर, जबकि राहुल देखे गए थे एज डोडो इन द फिल्म, सुहेनी पॉल देखी गई एज मिठू इन द फिल्म, विश्वजीत चक्रवर्ती नज़र आए थे एज पुलिस इंस्पेक्टर बोरो बाबू, और देव नज़र आए थे स्पेशल अपीयरेंस में फॉर द रीमेक ऑफ द सॉन्ग जिबोने की पबोना। और फिल्म का जो साउंड ट्रैक रहा है मोस्टली दिया गया है बाय डिफरेंट सिंगर्स सच एज शान, जोजो, नचिकेता चक्रवर्ती, श्रेया घोषाल। दोस्तों साउंड ट्रैक की बात करी जाए तो फिल्म के जो साउंड ट्रैक्स रहे थे वो रहे सच एज जिबोने की पबोना, सेलिब्रिटी, भोला जीना, आरी आरी आज के हाथ बारी, आमी चंचला ही, काल के चिलम जाजब, पृथ्वी अनेक बोरो, और अप्रॉक्स देखा जाए तो लगभग आधे घंटे का साउंड ट्रैक रहा है फिल्म में। तो दोस्तों जानते हैं जो स्टार कास्ट थी उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। तो सबसे पहले जानेंगे हिरन के बारे में जो कि आर्को का रोल निभाते हुए नजर आए थे। हिरन यानी कि हिरन चाटर्जी जो कि एक टॉलीवुड फिल्म एक्टर हैं और साथ ही मेंबर हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के खड़गपुर सदस्य, एंड काफ़ी टाइम से जो है एनजीओ के लिए वर्क करते आए हैं, वॉइस ऑफ वर्ल्ड है, और जो कि प्रोवाइड करते हैं एड विजुअली और फिजिकली चैलेंज स्ट्रीट चिल्ड्रन को। बात की जाए उनके करियर की तो रेसिडेंट रहा है उनका उलुबेरिया, एक सब डिविजन टाउन है हावड़ा में, उन्होंने अपना बचपन वहीं बिताया है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने करी थी एज अ सीनियर मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज से एट मुंबई। और पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इलेक्ट हुए हैं एज मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से फ्रॉम खड़गपुर सदर, एंड डिफीट करा था प्रदीप सरकार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जो कि बाय 3771 वोट से रहे थे 2021 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से। तो वही इलेक्ट करे गए थे एज अ काउंसलर ऑफ वार्ड 33 खड़गपुर म्यूनिसपैलिटी वेस्ट बंगाल से 2022 में। तो वहीं बात की जाए उनके फिल्म्स की तो पार्ट रह चुके हैं नवाब नंदनी, भालू बादशाह, भालू बादशाह, चिरो साथी, माँ अमार मार, अलौट पलौट, रेस्ट, मौनजे कोरे उरु, माचो मस्ताना, ले हलवा ले, मिस्ती छेलर, दुस्तू बुद्धि, मजनू, जमाई 420, मेहराली, जियो पागला, होई चोई अनलिमिटेड, जमाई बादल, थाई करी, जियो जमाई, जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स में ही नज़र आए हैं। बात की जाए कोयल मलिक की जो कि पीयू का रोल निभा रही थी इन द फिल्म, वॉज बॉर्न एज रुक्मणी मलिक एंड इज एन इंडियन एक्ट्रेस, और काफ़ी सारी बंगाली फिल्म्स में नज़र आई हैं। बेटी है ऑफ डॉक्टर ऑफ एक्टर सॉरी रंजीत मलिक की, एंड मेड हर डेब्यू विद अ फिल्म नाटेर गुरु, मोन मानेना, बेश करौची, प्रेम करौची से उनकी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा उनके वर्क को पसंद कराया गया है। करियर की बात करें तो स्क्रीन डेब्यू हुआ था उनका अपोजिट एक्टर जीत, और एक रनअवे सक्सेस रही थी नाटेर गुरु बॉक्स ऑफिस पर। तो वहीं रिलीज हुई थी 2003 में एंड मार्क्ड हर एंट्री इनटू टॉलीवुड एंड आल्सो वॉन हर फर्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल में फ्रॉम 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 फॉर द फिल्म। तो वहीं 2004 में स्टार्ट करा था देवी पाक्षा के साथ शुरू तुम्ही,
बादशाह द किंग और बंधन में, और पहली दो परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी बेकार रही थी हालांकि बॉक्स ऑफिस पर। और बंधन जो कि एक ह्यूज सक्सेस साबित हुई थी बंगाल में और ब्लॉकबस्टर भी रही बॉक्स ऑफिस पर। सिर्फ इतना ही नहीं, हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली फिल्म थी 2004 की। अदर देन दिस, टेलीविजन पर भी करियर देखा गया है उनका, जो कि पहला शो आया था यानी कि डेब्यू करा था जी बांग्ला के फर्स्ट शो महाल्या से ईयर 2007 में एज देवी महिषा सुर मर्दनी से, और उनके काफ़ी सारे अवतार भी देखे गए थे। वॉज ऑल्सो अपियर्ड इन दीदी नंबर वन जो कि ईयर 2010 में आया था और सेलिब्रेट हुआ था एज हुई थी एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट। अदर देन दिस, उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए उन्होंने एड्स किए हैं, कमर्शल्स किए हैं टेलीविजन पर, जैसे कि आपका TVS मोटर कंपनी है, फेयर एंड लवली, पैनासोनिक, वैसलीन, जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए काम कर चुके हैं। अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड विनर रही हैं ऑफ लाइक 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 में, 2006 में कलाकार अवार्ड्स फॉर शुभोद विष्टि, जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म बोलो ना तुम्ही अमार 2010 में आई थी, स्टार जलसा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, BFJ अवार्ड फॉर हेमलॉक सोसाइटी एंड काफ़ी और भी अवार्ड रहे हैं। साचा से हेमलॉक सोसाइटी के लिए उन्होंने जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड भी विन करा था। मिथिन माशी 2019 में उन्हें मिला था फॉर फ्रॉम द फिल्म्स एंड फ्रेम्स डिजिटल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस का। दोस्तों जानेंगे बंगाली मूवी जैकपॉट के बारे में, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2009 में और जिसको डायरेक्ट करा था कौशिक गांगुली ने। फिल्म में नज़र आए हैं हिरण चैटर्जी, कोयल मलिक, राहुल बैनर्जी, साथ ही सुहिनी पॉल जो कि बेटी है तपस पॉल की। सुहिनी पॉल की ये सेकेंड फिल्म रही है आफ्टर हर डेब्यू फिल्म बो बराक के बाद। एंड बात की जाए फिल्म का जो प्रोडक्शन किया गया था वो था श्री वेंकटेश फिल्म्स की तरफ से। प्रोड्यूस करी थी फिल्म श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी ने, जबकि फिल्म में जो म्यूजिक ट्रैक रहा था वो रहा था जीत गांगुली का। बात करते हैं आखिर क्या स्टोरी लाइन रही है और जो कैरेक्टर्स रहे हैं उनका क्या रोल था इसमें। फिल्म जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है एक रियलिटी शो के, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय स्टार आनंदा, जिसमें कि दो फाइनलिस्ट होते हैं, अर्का जो कि हिल्स से है और डोडो जो कि सुंदरबंस से बिलोंग करता है, जिनको टास्क दिए जाते हैं और दोनों ही फुलफिल करते हैं। डोरो को दी जाती है ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल की भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, जबकि अलका को ड्यूटी दी जाती है एक ड्राइवर की। 3 दिन और 2 नाइट की एक बैटल होती है उनके बीच में और प्राइज रहता है 1 करोड़ का, जिसमें कि एक ने कुछ मिस्टेक्स करी थी जैकपॉट को जीतने के लिए, जिसमें कि एंकर सुमन दे होस्ट बनते हैं और एक रन अवे है फ्रॉम द मेंटल हॉस्पिटल। मेहम जो है बिगिन करता है वैन प्यू की ओल्डर सिस्टर ब्रदर इन लॉ रिपोर्ट करते हैं भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, एंड अर्क जो कि जिसको पता चलता है प्यू के एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में। एज अर्क और डोडो दोनों ही डिस्गस हैं और दे यूज फेक नेम्स अपनी रियल आइडेंटिटी को कवर अप करने के लिए। अर्क बनता है जैकी और डोडो बनता है पोर्टा। दस वाइल अर्क फ्लीज टू हिल्स विद प्यू अपनी जॉब जो है उसको फुलफिल करने के लिए और मनी विन करने के लिए। डोडो जाता है गोल्डर के साथ और मिट्टू के साथ स्टार्ट करता है चेस करना उन्हें, बट उन्हें पता नहीं होता है कि पीयू एक्चुअली किसके साथ है, मतलब अर्का के साथ है बट उन्हें नहीं पता होता। आफ्टर मच फज अर्का मैनेज करता है टू टेक पीयू टू हर लॉस्ट लव, एंड जो डोडो है वो कैच कर लेता है उन्हें।
अर्का और डोडो दोनों ही क्राउन करे जाते हैं विद द चैंपियंस. अर्का डोनेट द एंटायर 50 लाख्स फॉर पियूस मेंटल एक्सपेंसेस. डोडो डोनेट करता है अपने 50 लाख सेम पर्पस के लिए, सेम नोबल कॉज के लिए. और रिवील कर दिया जाता है कि जो डोडो अर्का है दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं. एंड डोडो ने परसुएट करा था अर्का को कि वो पार्टिसिपेट करे शो में. मिटू और डोडो दोनों लव बर्ड्स बन जाते हैं वाइल अर्क अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो डिवोट करती है अनाथ आश्रम को, जो कि लोनली और मेंटली स्टैग्नेटेड है. प्यू के लिए पूरा टाइम और कंसंट्रेशन उसी को देती है. आखिरकार क्या कास्टिंग रही है और किसने अर्को का रोल निभाया, किसने प्यू का रोल निभाया, जानेंगे इनके बारे में. तो हिरन जो कि नजर आए थे एज अर्को और कोयल मलिक निभा रही थी पीयू का कैरेक्टर, जबकि राहुल देखे गए थे एज डोडो इन द फिल्म. सुहेनी पॉल देखी गई एज मिठू इन द फिल्म. विश्वजीत चक्रवर्ती नजर आए थे एज पुलिस इंस्पेक्टर बोरो बाबू. और देव नजर आए थे स्पेशल अपीयरेंस में फॉर द रीमेक सॉन्ग जिबोने की पबोना. और फिल्म का जो साउंड ट्रैक रहा है मोस्टली दिया गया है बाय डिफरेंट सिंगर्स सच एज शान, जोजो, नचिकेता चक्रवर्ती, श्रेया घोषाल. दोस्तों साउंड ट्रैक की बात करी जाए तो फिल्म के जो साउंड ट्रैक्स रहे थे वो रहे सच एज जिबोने की पबोना, सेलिब्रिटी, भोला जीना, आरी आरी आज के हाथ बारी, आमी चंचला ही, काल के चिलम जाजब, पृथ्वी अनेक बोरो. और अप्रॉक्स देखा जाए तो लगभग आधे घंटे का साउंड ट्रैक रहा है फिल्म. तो दोस्तों जानते हैं जो स्टार कास्ट थी उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री. तो सबसे पहले हम जानेंगे हिरन के बारे में जो कि आर्को का रोल निभाते हुए नजर आए थे. हिरन यानी कि हिरन चाटर्जी जो कि एक टॉलीवुड फिल्म एक्टर हैं और साथ ही मेंबर हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के खड़गपुर सदर से. एंड काफ़ी टाइम से जो है एनजीओ के लिए वर्क करते आए हैं, वॉइस ऑफ वर्ल्ड है और जो कि प्रोवाइड करते हैं एड टू विजुअली और फिजिकली चैलेंज स्ट्रीट चिल्ड्रन को. बात की जाए उनके करियर की तो रेसिडेंट रहा है उनका उलुबेरिया, एक सब डिवीजन टाउन है हावड़ा में. उन्होंने अपना बचपन वहीं बिताया है. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने करी थी एज अ सीनियर मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज से एट मुंबई. और पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इलेक्ट हुए हैं एज मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से फ्रॉम खड़गपुर सदर. एंड डिफीट करा था प्रदीप सरकार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जो कि बाय 3771 वोट से रहे थे 2021 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से. तो वहीं इलेक्ट करे गए थे एज अ काउंसलर ऑफ वार्ड 33 खड़गपुर म्यूनिसपैलिटी वेस्ट बंगाल से 2022 में. तो वहीं बात की जाए उनके फिल्म्स की तो पार्ट रह चुके हैं नवाब नंदनी, भालू बादशाह, भालू बादशाह, चिरो साथी, माँ अमार मार, अलौट पलौट, रिस्क, मौनजे कोरे उरु, माचो मस्ताना, ले हलवा ले, मिस्ती छेलर, दुस्तू बुदी, मजनू, जमाई 420, मेहराली, जियो पागला, होई चोई अनलिमिटेड, जमाई बादल, थाई करी, जियो जमाई जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स में ही नजर आए हैं. बात की जाए कोयल मलिक की जो कि पीयू का रोल निभा रही थी इन द फिल्म, इज वाज बोर्न एज रुक्मणी मलिक एंड इज एन इंडियन एक्ट्रेस और काफ़ी सारी बंगाली फिल्म्स में नजर आई हैं. बेटी है ऑफ डॉक्टर ऑफ एक्टर सॉरी रंजीत मलिक की एंड मेड हर डेब्यू विद द फिल्म नाटेर गुरु, मोन मानेना, बेश करौची, प्रेम करौची से.
उनकी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा उनके वर्क को पसंद कराया गया है। करियर की बात करें तो स्क्रीन डेब्यू हुआ था उनका अपोजिट एक्टर जीत, और एक रनअवे सक्सेस रही थी नाटी गुरु बॉक्स ऑफिस पर। तो वहीं रिलीज हुई थी 2003 में एंड मार्क हर एंट्री इन टू टॉलीवुड एंड ऑल्सो वॉन हर फर्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल में फ्रॉम 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 फॉर द फिल्म। तो वहीं 2004 में स्टार्ट करा था देवी पक्षा के साथ शुदू तुमी, बादशाह द किंग और बंधन में, और पहली दो परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी बेकार रही थी हालांकि बॉक्स ऑफिस पर। और बंधन जो कि एक ह्यूज सक्सेस साबित हुई थी बंगाल में और ब्लॉकबस्टर भी रही बॉक्स ऑफिस पर। सिर्फ इतना ही नहीं, हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली फिल्म थी 2004 की। अदर देन दिस टेलीविजन पर भी करियर देखा गया है उनका, जो कि पहला शो आया था यानी कि डेब्यू करा था जी बांग्ला के फर्स्ट शो महाल्या से ईयर 2007 में एज देवी महिषा सुर्फ मर्दनी से, और उनके काफ़ी सारे अवतार भी देखे गए थे। वॉज ऑल्सो अपियर्ड इन दीदी नंबर वन जो कि ईयर 2010 में आया था और सेलिब्रेट हुआ था एज हुई थी एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट। अदर देन दिस उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए उन्होंने एड्स किए हैं, कमर्शियल्स किए हैं टेलीविजन पर, जैसे कि आपका TVS मोटर कंपनी है, फेयर एंड लवली, पैनासोनिक, वैसलीन जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए काम कर चुके हैं। अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड विनर रही हैं ऑफ लाइक 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 में, 2006 में कलाकार अवार्ड्स फॉर शुभ दृष्टि, जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म बोलो ना तुम्हें अमार 2010 में आई थी, स्टार जलसा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, BFJ अवार्ड फॉर हेमलॉक सोसाइटी एंड काफ़ी और भी अवार्ड रहे हैं। साचा से हेमलॉक सोसाइटी के लिए उन्होंने जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड भी विन करा था। मिथिन माशी 2019 में उन्हें मिला था फॉर फ्रॉम द फिल्म्स एंड फेम्स डिजिटल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस का। दोस्तों जानेंगे बंगाली मूवी जैकपॉट के बारे में, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2009 में और जिसको डायरेक्ट करा था कौशिक गांगुली ने। फिल्म में नज़र आए हैं हिरण चैटर्जी, कोयल मलिक, राहुल बैनर्जी, साथ ही सुहिनी पॉल जो कि बेटी है तपस पॉल की। सुहिनी पॉल की ये सेकंड फिल्म रही है आफ्टर हर डेब्यू फिल्म बो बराक के बाद। एंड बात की जाए फिल्म का जो प्रोडक्शन किया गया था वो था श्री वेंकटेश फिल्म्स की तरफ से। प्रोड्यूस करी थी फिल्म श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी ने, जबकि फिल्म में जो म्यूजिक ट्रैक रहा था वो रहा था जीत गांगुली का। बात करते हैं आखिर क्या स्टोरी लाइन रही है और जो कैरेक्टर्स रहे हैं उनका क्या रोल था इसमें। फिल्म जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है एक रियलिटी शो के, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय स्टार आनंदा, जिसमें कि दो फाइनलिस्ट होते हैं अर्का जो कि हिल्स से है और डोडो जो कि सुंदरबंस से बिलोंग करता है, जिनको टास्क दिए जाते हैं और दोनों ही फुलफिल करते हैं। डोरो को दी जाती है ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल की भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, जबकि अलका को ड्यूटी दी जाती है एक ड्राइवर की। 3 दिन और 2 नाइट की ये बैटल होती है उनके बीच में और प्राइज रहता है 1 करोड़ का, जिसमें कि एक ने कुछ मिस्टेक्स करी थी जैकपॉट को जीतने के लिए, जिसमें कि एंकर सुमन दे होस्ट बनते हैं और एक रन अवे है फ्रॉम द मेंटल हॉस्पिटल। मेहम जो है बिगिन करता है वैन प्यू की ओल्डर सिस्टर ब्रदर इन लॉ रिपोर्ट करते हैं भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, एंड अर्क जो कि जिसको पता चलता है प्यू के एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में। एज अर्क और डोडो दोनों ही डिस्कस हैं और दे यूज फेक नेम्स
अपनी रियल आइडेंटिटी को कवर अप करने के लिए। अर्का बनता है जैकी और डोडो बनता है पोर्टा। दस वाइल अर्का फ्रीज टू हिल्स विद पियू अपनी जॉब जो है उसको फुलफिल करने के लिए और मनी विन करने के लिए। डोडो जाता है गोल्डर के साथ और मिट्टू के साथ स्टार्ट करता है चेस करना उन्हें, बट उन्हें पता नहीं होता है कि पीयू एक्चुअली किसके साथ है, मतलब अर्का के साथ है बट उन्हें नहीं पता होता। आफ्टर मच फज अर्का मैनेज करता है टू टेक पीयू टू हर लॉस्ट लव एंड जो डोडो है वो कैच कर लेता है उन्हें। अर्का और डोडो दोनों ही क्राउन करने जाते हैं विद द चैंपियंस। अर्का डोनेट द एंटायर 50 लैक्स फॉर पीयूज मेंटल एक्सपेंसेस। डोडो डोनेट करता है अपने 50 लाख सेम पर्पस के लिए, सेम नोबल कॉज के लिए। और रिवील कर दिया जाता है कि जो डोडो अर्का है दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड डोडो ने परसुएड करा था अर्का को कि वो पार्टिसिपेट करे शो में। मिटू और डोडो दोनों लव बर्ड्स बन जाते हैं वाइल अर्का अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो डिवोट करती है अनाथ आश्रम को जो कि लोनली और मेंटली स्टैग्नेटेड है। प्यू के लिए पूरा टाइम और कंसंट्रेशन उसी को देती है। आखिरकार क्या कास्टिंग रही है और किसने अर्को का रोल निभाया किसने पीयू का रोल निभाया जानेंगे इनके बारे में। तो हिरन जो कि नज़र आए थे एज अर्को और कोयल मलिक निभा रही थी पीयू का कैरेक्टर, जबकि राहुल देखे गए थे एज डोडो इन द फिल्म। सुहेनी पॉल देखी गई एज मिठू इन द फिल्म। विश्वजीत चक्रवर्ती नज़र आए थे एज पुलिस इंस्पेक्टर बोरो बाबू और देव नज़र आए थे स्पेशल अपीयरेंस में फॉर द रीमेक ऑफ द सॉन्ग जिबोने की पबोना। और फिल्म का जो साउंड ट्रैक रहा है मोस्टली दिया गया है बाय डिफरेंट सिंगर्स सच एज शान जोजो नचिकेता चक्रवर्ती श्रेया घोषाल।
दोस्तों साउंड ट्रैक की बात करी जाए तो फिल्म के जो साउंड ट्रैक्स रहे थे वो रहे सरताज जुबोने की प्रभुवन्ना, सेलिब्रिटी, भोला जीना, आरी आरी आज के हाथ बारी, आमी चंचला ही, काल के चिलम जाजब, पृथ्वी अनेक बोरो, और अप्रॉक्स देखा जाए तो लगभग आधे घंटे का साउंड ट्रैक रहा है फिल्म। तो दोस्तों जानते हैं जो स्टार कास्ट थी उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिरन के बारे में जो कि आरको का रोल निभाते हुए नजर आए थे। हिरन यानी कि हिरन चाटर्जी जो कि एक टॉलीवुड फिल्म एक्टर हैं और साथ ही मेंबर हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के खड़गपुर सदर से, एंड काफ़ी टाइम से जो है एनजीओ के लिए वर्क करते आए हैं। वॉइस ऑफ वर्ल्ड है और जो कि प्रोवाइड करते हैं एड टू विजुअली और फिजिकली चैलेंज्ड स्ट्रीट चिल्ड्रन को। बात की जाए उनके करियर की तो रेसिडेंट रहा है उनका उलुबेरिया, एक सब डिविजन टाउन है हावड़ा में। उन्होंने अपना बचपन वहीं बिताया है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने करी थी एज अ सीनियर मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज से एट मुंबई। और पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इलेक्ट हुए हैं एज मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से फ्रॉम खड़गपुर सदर, एंड डिफीट करा था प्रदीप सरकार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जो कि बाय 3771 वोट से रहे थे 2021 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस। तो वही इलेक्ट करे गए थे एज अ काउंसलर ऑफ वार्ड 33 खड़गपुर म्यूनिसपैलिटी वेस्ट बंगाल से 2022 में। तो वहीं बात की जाए उनके फिल्म्स की तो पार्ट रह चुके हैं नवाब नंदनी, भालू बादशाह, भालू बादशाह, चिरो साथी, माँ अमार मार, अलौट पलौट, रेस, मौंजे कोरे उरु, माचो मस्ताना, ले हलवा ले, मिस्ती छेलर, दुस्तु बुदी, मजनू, जमाई 420, मेहराली, जियो पागला, होई चोई अनलिमिटेड, जमाई बादल, थाई करी, जियो जमाई, जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स में ही नजर आए हैं। बात की जाए कोयल मलिक की जो कि पीयू का रोल निभा रही थी इन द फिल्म, इज वॉज बॉर्न एज रुक्मणी मलिक एंड इज एन इंडियन एक्ट्रेस और काफ़ी सारी बंगाली फिल्म्स में नजर आई हैं। बेटी है ऑफ डॉक्टर ऑफ एक्टर सॉरी रंजीत मलिक की, एंड मेड हर डेब्यू विद द फिल्म नाटे गुरु, मोन मानिना, बेश करौची, प्रेम करौची से उनकी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा उनके वर्क को पसंद कराया गया है। करियर की बात करें तो स्क्रीन डेब्यू हुआ था उनका अपोजिट एक्टर जीत, और एक रनअवे सक्सेस रही थी नाटे गुरु बॉक्स ऑफिस पर। तो वहीं रिलीज हुई थी 2003 में एंड मार्क्ड हर एंट्री इनटू टॉलीवुड एंड आल्सो वॉन हर फर्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल में फ्रॉम फोर्थ टेलीसिने अवार्ड्स 2004 फॉर द फिल्म। तो वही 2004 में स्टार्ट करा था देवी पक्षा के साथ शुरू तुमी, बादशाह, द किंग और बंधन में, और पहली दो परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी बेकार रही थी हालांकि बॉक्स ऑफिस पर। और बंधन जो कि एक ह्यूज सक्सेस साबित हुई थी बंगाल में और ब्लॉकबस्टर भी रही बॉक्स ऑफिस पर। सिर्फ इतना ही नहीं, हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली फिल्म थी 2004 की। अदर देन दिस टेलीविजन पर भी करियर देखा गया है उनका, जो कि पहला शो आया था यानी कि डेब्यू करा था जी बांग्ला के फर्स्ट शो महाल्या से ईयर 2007 में एज देवी महिषा सुर मर्दनी से, और उनके काफ़ी सारे अवतार भी देखे गए थे। वॉज ऑल्सो अपियर्ड इन दीदी नंबर वन जो कि ईयर 2010 में आया था और सेलिब्रेट हुआ था एज हुई थी एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट।
अदर देन दिस उनकी कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी रही हैं, जैसे कि काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए उन्होंने एड्स किए हैं, कमर्शियल्स किए हैं टेलीविजन पर, जैसे कि आपका TVS मोटर कंपनी है, फेयर एंड लवली, पैनासोनिक, वैसलीन, जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए काम कर चुके हैं। अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड विनर रही हैं ऑफ लाइक 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 में, 2006 में कलाकार अवार्ड्स फॉर शुभ दृष्टि, जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म बोलो ना तुम्ही अमार 2010 में आई थी, स्टार जलसा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, BFJ अवार्ड फॉर हेमलॉक सोसाइटी एंड काफ़ी और भी अवार्ड रहे हैं। सचाई से हेमलॉक सोसाइटी के लिए उन्होंने जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड भी विन करा था। मिथुन माशी 2019 में उन्हें मिला था फॉर फ्रॉम द फिल्म्स एंड फ्रेम्स डिजिटल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस का। दोस्तों जानेंगे बंगाली मूवी जैकपॉट के बारे में, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2009 में और जिसको डायरेक्ट करा था कौशिक गांगुली ने। फिल्म में नजर आए हैं हिरण चैटर्जी, कोयल मलिक, राहुल बैनर्जी, साथ ही सुहिनी पॉल जो कि बेटी है तपस पॉल की। सुहिनी पॉल की ये सेकंड फिल्म रही है आफ्टर हर डेब्यू फिल्म बो बराक के बाद। एंड बात की जाए फिल्म का जो प्रोडक्शन किया गया था वो था श्री वेंकटेश फिल्म्स की तरफ से। प्रोड्यूस करी थी फिल्म श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी ने, जबकि फिल्म में जो म्यूजिक ट्रैक रहा था वो रहा था जीत गांगुली का। बात करते हैं आखिर क्या स्टोरी लाइन रही है और जो कैरेक्टर्स रहे हैं उनका क्या रोल था इसमें। फिल्म जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है एक रियलिटी शो के, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय स्टार आनंदा, जिसमें कि दो फाइनलिस्ट होते हैं, अर्का जो कि हिल्स से है और डोडो जो कि सुंदरबंस से बिलोंग करता है, जिनको टास्क दिए जाते हैं और दोनों ही फुलफिल करते हैं। डोरो को दी जाती है ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल की भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, जबकि अलका को ड्यूटी दी जाती है एक ड्राइवर की। 3 दिन और 2 नाइट की ये बैटल होती है उनके बीच में और प्राइज रहता है 1 करोड़ का, जिसमें कि एक ने कुछ मिस्टेक्स करी थी जैकपॉट को जीतने के लिए, जिसमें कि एंकर सुमन दे होस्ट बनते हैं और एक रन अवे है फ्रॉम द मेंटल हॉस्पिटल। मेहम जो है बिगिन करता है वैन पीयू की ओल्डर सिस्टर ब्रदर इन लॉ रिपोर्ट करते हैं भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, एंड अर्क जो कि जिसको पता चलता है पीयू के एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में। एज अर्क और डोडो दोनों ही डिस्गस हैं और दे यूज फेक नेम्स अपनी रियल आइडेंटिटी को कवर अप करने के लिए। अर्का बनता है जैकी और डोडो बनता है पोटला। दस वाइल अर्का फ्लीज टू हिल्स विद पीयू अपनी जॉब जो है उसको फुलफिल करने के लिए और मनी विन करने के लिए, डोडो जाता है गोल्डर के साथ और मिट्टू के साथ स्टार्ट करता है चेस करना उन्हें, बट उन्हें पता नहीं होता है कि पीयू एक्चुअली किसके साथ है, मतलब अर्का के साथ, बट उन्हें नहीं पता होता। आफ्टर मच फज अर्का मैनेज करता है टू टेक प्यू टू हर लॉस्ट लव, एंड जो डोडो है वो कैच कर लेता है उन्हें। अर्का और डोडो दोनों ही क्राउन करे जाते हैं विद द चैंपियंस। अर्का डोनेट द एंटायर 50 लाख फॉर प्यूज मेंटल एक्सपेंसेस। डोडो डोनेट करता है अपने 50 लाख सेम पर्पस के लिए, सेम नोबल कॉज के लिए, और रिवील कर दिया जाता है कि जो डोडो अर्का है दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स है, एंड डोडो ने परसुएड करा था अर्का को कि वो पार्टिसिपेट करे शो में। मिटू और डोडो दोनों लव बर्ड्स बन जाते हैं, वाइल अर्का अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो डिवोट करती है अनाथ आश्रम को, जो कि लोनली और मेंटली स्टैग्नेटेड है प्यू के लिए, पूरा टाइम और कॉन्सेंट्रेशन उसी को देती है। आखिरकार क्या कास्टिंग रही है और किसने अर्को का रोल निभाया, किसने प्यू का रोल निभाया, जानेंगे इनके बारे में। तो
हिरन जो कि नजर आए थे एज अर्को, और कोयल मलिक निभा रही थी पीयू का कैरेक्टर, जबकि राहुल देखे गए थे एज डोडो इन द फिल्म, सुहेनी पॉल देखी गई एज मिठू इन द फिल्म, विश्वजीत चक्रवर्ती नजर आए थे एज पुलिस इंस्पेक्टर बोरो बाबू, और देव नजर आए थे स्पेशल अपीयरेंस में फॉर द रीमेक ऑफ द सॉन्ग जिबोने की पबोना। और फिल्म का जो साउंड ट्रैक रहा है मोस्टली दिया गया है बाय डिफरेंट सिंगर्स सच एज शान, जोजो, नचिकेता चक्रवर्ती, श्रेया घोषाल। दोस्तों साउंड ट्रैक की बात करी जाए तो फिल्म के जो साउंड ट्रैक्स रहे थे वो रहे सच एज जिबोने की पबोना, सेलिब्रिटी, भोला जीना, आरी आरी आज के हाथ बारी, आमी चंचला ही, काल के चिलम जाजब, पृथ्वी अनेक बोरो, और अप्रॉक्स देखा जाए तो लगभग आधे घंटे का साउंड ट्रैक रहा है फिल्म। तो दोस्तों जानते हैं जो स्टार कास्ट थी उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। तो सबसे पहले जानेंगे हिरन के बारे में जो कि आर्को का रोल निभाते हुए नजर आए थे। हिरन यानी कि हिरन चाटर्जी जो कि एक टॉलीवुड फिल्म एक्टर हैं और साथ ही मेंबर हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के खड़गपुर सदर से, एंड काफ़ी टाइम से जो है एनजीओ के लिए वर्क करते आए हैं, वॉइस ऑफ वर्ल्ड है, और जो कि प्रोवाइड करते हैं एड टू विजुअली और फिजिकली चैलेंज स्ट्रीट चिल्ड्रन को। बात की जाए उनके करियर की तो रेसिडेंट रहा है उनका उलुबेरिया, एक सब डिविजन टाउन है हावड़ा में, उन्होंने अपना बचपन नहीं बिताया है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने करी थी एज अ सीनियर मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज से एट मुंबई। और पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इलेक्ट हुए हैं एज मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से फ्रॉम खड़गपुर सदर, एंड डिफीट करा था प्रदीप सरकार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जो कि बाय 3771 वोट से रहे थे 2021 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस। तो वही इलेक्ट करे गए थे एज अ काउंसलर ऑफ वार्ड 33 खड़गपुर म्यूनसिपैलिटी वेस्ट बंगाल से 2022 में। तो वहीं बात की जाए उनके फिल्म्स की तो पार्ट रह चुके हैं नवाब नंदनी, भालू बादशाह, भालू बादशाह, चिरो साथी, माँ अमार मार, अलौट पलौट, रेस्ट, मौनजे कोरे उरु, माचो मस्ताना, ले हलवा ले, मिस्ती छेलर, दुस्तू बुद्धि, मजनू, जमाई 420, मेहराली, जियो पागला, होई चोई अनलिमिटेड, जमाई बादल, थाई करी, जियो जमाई जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स में ही नजर आए हैं। बात की जाए कोयल मलिक की जो कि पीयू का रोल निभा रही थी इन द फिल्म, इज वॉज बॉर्न एज रुक्मणी मलिक एंड इज एन इंडियन एक्ट्रेस, और काफ़ी सारी बंगाली फिल्म्स में नजर आई हैं। बेटी है ऑफ डॉक्टर ऑफ एक्टर सॉरी रंजीत मलिक की, एंड मेड हर डेब्यू विद द फिल्म नाटेर गुरु, मोन मानिना, बेश करौची, प्रेम करौची से उनकी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा उनके वर्क को पसंद कराया गया है। करियर की बात करें तो स्क्रीन डेब्यू हुआ था उनका अपोजिट एक्टर जीत, और एक रनअवे सक्सेस रही थी नाटेर गुरु बॉक्स ऑफिस पर। तो वहीं रिलीज हुई थी 2003 में एंड मार्क्ड हर एंट्री इनटू टॉलीवुड एंड आल्सो वॉन हर फर्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल में फ्रॉम 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 फॉर द फिल्म। तो वहीं 2004 में स्टार्ट करा था देवी पाक्षा के साथ शुरू तुमी, बादशाह, द किंग और बंधन में, और पहली दो परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी बेकार रही थी हालांकि बॉक्स ऑफिस पर, और बंधन जो कि एक ह्यूज सक्सेस साबित हुई थी बंगाल में और ब्लॉकबस्टर भी रही बॉक्स ऑफिस पर।
सिर्फ इतना ही नहीं, हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली फिल्म थी 2004 की। अदर देन दिस, टेलीविजन पर भी करियर देखा गया है उनका, जो कि पहला शो आया था यानी कि डेब्यू करा था जी बांग्ला के फर्स्ट शो महालया से ईयर 2007 में एज देवी मनीषा सिर्फ मर्दनी से, और उनके काफ़ी सारे अवतार भी देखे गए थे। वॉज ऑल्सो अपियर्ड इन दीदी नंबर वन, जो कि ईयर 2010 में आया था और सेलिब्रेट हुआ था एज हुई थी एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट। अदर देन दिस, उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए उन्होंने एड्स किए हैं, कमर्शल्स किए हैं टेलीविजन पर, जैसे कि आपका TVS मोटर कंपनी है, फेयर एंड लवली, पैनासोनिक, वैसलीन, जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए काम कर चुके हैं। अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड विनर रही हैं ऑफ लाइक 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 में, 2006 में कलाकार अवार्ड्स फॉर शुभोध दृष्टि, जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म बोलो ना तुम्ही अमार 2010 में आई थी, स्टार जलसा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, BFJ अवार्ड फॉर हेमलॉक सोसाइटी एंड काफ़ी और भी अवार्ड रहे हैं। साचा से हेमलॉक सोसाइटी के लिए उन्होंने जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड भी विन करा था। मिथिन माशी 2019 में उन्हें मिला था फॉर फ्रॉम द फिल्म्स एंड फ्रेम्स डिजिटल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस का। दोस्तों जानेंगे बंगाली मूवी जैकपॉट के बारे में, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2009 में और जिसको डायरेक्ट करा था कौशिक कामोड़े ने। फिल्म में नज़र आए हैं हिरण चैटर्जी, कोयल मलिक, राहुल बैनर्जी, साथ ही सुहिनी पॉल जो कि बेटी है तपस पॉल की। सुहिनी पॉल की ये सेकेंड फिल्म रही है आफ्टर हर डेब्यू फिल्म बो बराक के बाद। एंड बात की जाए फिल्म का जो प्रोडक्शन किया गया था वो था श्री वेंकटेश फिल्म्स की तरफ से। प्रोड्यूस करी थी फिल्म श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी ने, जबकि फिल्म में जो म्यूजिक ट्रैक रहा था वो रहा था जी गांगुली का। बात करते हैं आखिर क्या स्टोरी लाइन रही है और जो कैरेक्टर्स रहे हैं उनका क्या रोल था इसमें। फिल्म जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है एक रियलिटी शो के, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय स्टार आनंदा, जिसमें कि दो फाइनलिस्ट होते हैं, अर्का जो कि हिल्स से है और डोडो जो कि सुंदरबंस से बिलोंग करता है, जिनको टास्क दिए जाते हैं और दोनों ही फुलफिल करते हैं। डोरो को दी जाती है ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल की भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, जबकि अलका को ड्यूटी दी जाती है एक ड्राइवर की। 3 दिन और 2 नाइट की ये बैटल होती है उनके बीच में और प्राइज रहता है 1 करोड़ का, जिसमें कि एक ने कुछ मिस्टेक्स करी थी जैकपॉट को जीतने के लिए, जिसमें कि एंकर सुमन दे होस्ट बनते हैं और एक रन अवे है फ्रॉम द मेंटल हॉस्पिटल। मेहम जो है बिगिन करता है वैन प्यू की ओल्डर सिस्टर ब्रदर इन लॉ रिपोर्ट करते हैं भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, एंड अर्क जो कि जिसको पता चलता है प्यू के एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में। एज अर्क और डोडो दोनों ही डिस्कस हैं और दे यूज फेक नेम्स अपनी रियल आइडेंटिटी को कवर अप करने के लिए। अर्क बनता है जैकी और डोडो बनता है पोर्टा। दस वाइल अर्क फ्रीज टू हिल्स विद प्यू अपनी जॉब जो है उसको फुलफिल करने के लिए और मनी विन करने के लिए, डोडो जाता है गोल्डर के साथ और मिट्टू के साथ स्टार्ट करता है चेस करना उन्हें, बट उन्हें पता नहीं होता है कि प्यू एक्चुअली किसके साथ है, मतलब अर्का के साथ, बट उन्हें नहीं पता होता। आफ्टर मच फज अर्का मैनेज करता है टू टेक प्यू टू हर लॉस्ट लव, एंड जो डोडो है वो कैच कर लेता है उन्हें। अर्का और डोडो दोनों ही क्राउन करे जाते हैं विद द चैंपियंस। अर्का डोनेट द एंटायर 50 लाख्स फॉर प्यूज मेंटल एक्सपेंसेस। डोडो डोनेट करता है अपने 50 लाख सेम पर्पस के लिए, सेम नोबल कॉज के लिए,
और रिवील कर दिया जाता है कि जो डोडो अर्का है दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड डोडो ने परसुएड करा था अर्का को कि वो पार्टिसिपेट करे शो में। मिटू और डोडो दोनों लव बर्ड्स बन जाते हैं, वाइल अर्का अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो डिवोट करती है अनाथ आश्रम को, जो कि लोनली और मेंटली स्टैग्नेटेड है। फ्यू के लिए पूरा टाइम और कंसंट्रेशन उसी को देती है। आखिरकार क्या कास्टिंग रही है और किसने अर्को का रोल निभाया, किसने पीयू का रोल निभाया, जानेंगे इनके बारे में। तो हिरन जो कि नज़र आए थे एज अर्को, और कोयल मलिक निभा रही थी पीयू का कैरेक्टर, जबकि राहुल देखे गए थे एज डोडो इन द फिल्म, सुहेनी पॉल देखी गई एज मिठू इन द फिल्म, विश्वजीत चक्रवर्ती नज़र आए थे एज पुलिस इंस्पेक्टर बोरो बाबू, और देव नज़र आए थे स्पेशल अपीयरेंस में फॉर द रीमेक ऑफ द सॉन्ग जिबोने की पबोना। और फिल्म का जो साउंड ट्रैक रहा है मोस्टली दिया गया है बाय डिफरेंट सिंगर्स सच एज शान, जोजो, नचिकेता चक्रवर्ती, श्रेया घोषाल। दोस्तों साउंड ट्रैक की बात करी जाए तो फिल्म के जो साउंड ट्रैक्स रहे थे वो रहे सच एज जिबोने की पबोना, सेलिब्रिटी, भोला जीना, आरी आरी, आज के हाथ बारी, आमी चंचला ही, काल के चिलम जाजब, पृथ्वी अनेक बोरो, और अप्रॉक्स देखा जाए तो लगभग आधे घंटे का साउंड ट्रैक रहा है फिल्म। तो दोस्तों जानते हैं जो स्टारकास्ट थी उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिरन के बारे में, जो कि आर्को का रोल निभाते हुए नजर आए थे। हिरन यानी कि हिरन चैटर्जी, जो कि एक टॉलीवुड फिल्म एक्टर हैं और साथ ही मेंबर हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के खड़गपुर सदस्य, एंड काफ़ी टाइम से जो है एनजीओ के लिए वर्क करते आए हैं, वॉइस ऑफ वर्ल्ड है, और जो कि प्रोवाइड करते हैं एड टू विजुअली और फिजिकली चैलेंज्ड स्ट्रीट चिल्ड्रन को। बात की जाए उनके करियर की तो रेसिडेंट रहा है उनका उलुबेरिया, एक सब डिविजन टाउन है हावड़ा में, उन्होंने अपना बचपन नहीं बिताया है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने करी थी एज अ सीनियर मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज से एट मुंबई। और पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इलेक्ट हुए हैं एज मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से फ्रॉम खड़गपुर सदर, एंड डिफीट करा था प्रदीप सरकार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से, जो कि बाय 3771 वोट से रहे थे 2021 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन। तो वहीं इलेक्ट करे गए थे एज अ काउंसलर ऑफ वार्ड 33 खड़गपुर म्यूनसिपैलिटी वेस्ट बंगाल से 2022 में। तो वहीं बात की जाए उनके फिल्म्स की तो पार्ट रह चुके हैं नवाब नंदनी, भालू भाषा, चिरो साथी, माँ अमार मार, अलौट पलौट, रिस्क, मौंजे कोरे उरु, माचो मस्ताना, ले हलवा ले, मिस्ती छेलर, दुस्तु बुद्धि, मजनू, जमाई 420, मेहराली, जियो पागला, होई चोई अनलिमिटेड, जमाई बादल, थाई करी, जियो जमाई, जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स में ही नज़र आए हैं। बात की जाए कोयल मलिक की, जो कि पीयू का रोल निभा रही थी इन द फिल्म, वॉज बॉर्न एज रुक्मणी मलिक एंड इज एन इंडियन एक्ट्रेस, और काफ़ी सारी बंगाली फिल्म्स में नज़र आई हैं। बेटी है एक्टर रंजीत मलिक की, एंड मेड हर डेब्यू विद द फिल्म नाटेर गुरु, मोन मानिना, बेश करौची, प्रेम करौची से उनकी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा उनके वर्क को पसंद करा गया है। करियर की बात करें तो स्क्रीन डेब्यू हुआ था उनका अपोजिट एक्टर जीत, और एक रनअवे सक्सेस रही थी नाटेर गुरु बॉक्स ऑफिस पर।
तो वही रिलीज हुई थी 2003 में एंड मार्क्ड हर एंट्री इनटू टॉलीवुड एंड आल्सो वॉन हर फर्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल में फ्रॉम फोर्थ टेलीसिने अवार्ड्स 2004 फॉर द फिल्म। तो वही 2004 में स्टार्ट करा था देवी पक्षा के साथ शुरू तुम्ही बादशाह द किंग और बंधन में, और पहली दो परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी बेकार रही थी हालांकि बॉक्स ऑफिस पर। और बंधन जो कि एक ह्यूज सक्सेस साबित हुई थी बंगाल में और ब्लॉकबस्टर भी रही बॉक्स ऑफिस पर। सिर्फ इतना ही नहीं, हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली फिल्म थी 2004 की। अदर देन दिस टेलीविजन पर भी करियर देखा गया है उनका, जो कि पहला शो आया था यानी कि डेब्यू करा था जी बांग्ला के फर्स्ट शो महाल्या से ईयर 2007 में एज देवी महिषा सुर्फ मर्दनी से, और उनके काफ़ी सारे अवतार भी देखे गए थे। वॉज ऑल्सो अपियर्ड इन दीदी नंबर वन जो कि ईयर 2010 में आया था और सेलिब्रेट हुआ था एज हुई थी एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट। अदर देन दिस उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए उन्होंने एड्स किए हैं, कमर्शियल्स किए हैं टेलीविजन पर, जैसे कि आपका TVS मोटर कंपनी है, फेयर एंड लवली, पैनासोनिक, वैसलीन जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए काम कर चुके हैं। अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड विनर रही हैं ऑफ लाइक फोर्थ टेली सिने अवार्ड्स 2004 में, 2006 में कलाकार अवार्ड्स फॉर शुभ दृष्टि, जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म बोलो ना तुम्ही अमार 2010 में आई थी, स्टार जलसा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, BFJ अवार्ड फॉर हेमलॉक सोसाइटी एंड काफ़ी और भी अवार्ड रहे हैं। सचाज हेमलॉक सोसाइटी के लिए उन्होंने जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड भी विन करा था। मिथिन माशी 2019 में उन्हें मिला था फ्रॉम द फिल्म्स एंड फ्रेम्स डिजिटल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस का। दोस्तों जानेंगे बंगाली मूवी जैकपॉट के बारे में, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2009 में और जिसको डायरेक्ट करा था कौशिक गांगुली ने। फिल्म में नजर आए हैं हिरण चैटर्जी, कोयल मलिक, राहुल बैनर्जी, साथ ही सुहिनी पॉल जो कि बेटी है तपस पॉल की। सुहिनी पॉल की ये सेकंड फिल्म रही है आफ्टर हर डेब्यू फिल्म बो बराक के बाद। एंड बात की जाए फिल्म का जो प्रोडक्शन किया गया था वो था श्री वेंकटेश फिल्म्स की तरफ से। प्रोड्यूस करी थी फिल्म श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी ने, जबकि फिल्म में जो म्यूजिक ट्रैक रहा था वो रहा था जी गांगुली का। बात करते हैं आखिर क्या स्टोरी लाइन रही है और जो कैरेक्टर्स रहे हैं उनका क्या रोल था इसमें। फिल्म जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है एक रियलिटी शो के, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय स्टार आनंदा, जिसमें कि दो फाइनलिस्ट होते हैं अर्का जो कि हिल्स से है और डोडो जो कि सुंदरबंस से बिलोंग करता है, जिनको टास्क दिए जाते हैं और दोनों ही फुलफिल करते हैं। डोरो को दी जाती है ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल की भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, जबकि अलका को ड्यूटी दी जाती है एक ड्राइवर की। 3 दिन और 2 नाइट की ये बैटल होती है उनके बीच में और प्राइज रहता है 1 करोड़ का, जिसमें कि एक ने कुछ मिस्टेक्स करी थी जैकपॉट को जीतने के लिए, जिसमें कि एंकर सुमन दे होस्ट बनते हैं और एक रन अवे है फ्रॉम द मेंटल हॉस्पिटल। मेहम जो है बिगिन करता है व्हेन प्यू की ओल्डर सिस्टर ब्रदर इन लॉ रिपोर्ट करते हैं भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, एंड अर्क जो कि जिसको पता चलता है प्यू के एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में। एज अर्क और डोडो दोनों ही डिस्गस हैं और दे यूज फेक नेम्स अपनी रियल आइडेंटिटी को कवर अप करने के लिए। अर्का बनता है जैकी और डोडो बनता है पोर्टला। दस वाइल अर्का फ्लीज टू हिल्स विद प्यू अपनी जॉब जो है उसको फुलफिल करने के लिए और मनी विन करने के लिए।
डोडो जाता है गोल्डर के साथ और मिट्टू के साथ स्टार्ट करता है चेस करना उन्हें, बट उन्हें पता नहीं होता है कि पीयू एक्चुअली किसके साथ है, मतलब अर्का के साथ है बट उन्हें नहीं पता होता। आफ्टर मच फज अर्का मैनेज करता है टू टेक पीयू टू हर लॉस्ट लव, एंड जो डोडो है वो कैच कर लेता है उन्हें। अर्का और डोडो दोनों ही क्राउन करने जाते हैं विद द चैंपियंस। अर्का डोनेट द एंटायर 50 लाख्स फॉर प्यूज मेंटल एक्सपेंसेस। डोडो डोनेट करता है अपने 50 लाख सेम पर्पस के लिए, सेम नोबल कॉज के लिए, और रिवील कर दिया जाता है कि जो डोडो अर्का है दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड डोडो ने परसुएड करा था अर्का को कि वो पार्टिसिपेट करे शो में। मिटू और डोडो दोनों लव बर्ड्स बन जाते हैं वाइल अर्क अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो डिवोट करती है अनाथ आश्रम को, जो कि लोनली और मेंटली स्टैग्नेटेड है, फ्यू के लिए पूरा टाइम और कंसंट्रेशन उसी को देती है। आखिरकार क्या कास्टिंग रही है और किसने अर्को का रोल निभाया, किसने पीयू का रोल निभाया, जानेंगे इनके बारे में। तो हिरन जो कि नज़र आए थे एज अर्को, और कोयल मलिक निभा रही थी पीयू का कैरेक्टर, जबकि राहुल देखे गए थे एज डोडो इन द फिल्म, सुहेनी पॉल देखी गई एज मिठू इन द फिल्म, विश्वजीत चक्रवर्ती नज़र आए थे एज पुलिस इंस्पेक्टर बोरो बाबू, और देव नज़र आए थे स्पेशल अपीयरेंस में फॉर द रीमेक ऑफ द सॉन्ग जिबोने की पबोना। और फिल्म का जो साउंड ट्रैक रहा है मोस्टली दिया गया है बाय डिफरेंट सिंगर्स सच एज शान, जोजो, नचिकेता चक्रवर्ती, श्रेया घोषाल। दोस्तों साउंड ट्रैक की बात करी जाए तो फिल्म के जो साउंड ट्रैक्स रहे थे वो रहे सच एज जिबोने की पबोना, सेलिब्रिटी, भोला जीना, आरी आरी आज के हाथ बारी, आमी चंचला ही, काल के चिलम जाजब, पृथ्वी अनेक बोरो, और अप्रॉक्स देखा जाए तो लगभग आधे घंटे का साउंड ट्रैक रहा है फिल्म। तो दोस्तों जानते हैं जो स्टार कास्ट थी उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। तो सबसे पहले जानेंगे हिरन के बारे में जो कि आर्को का रोल निभाते हुए नजर आए थे। हिरन यानी कि हिरन चैटर्जी जो कि एक टॉलीवुड फिल्म एक्टर हैं और साथ ही मेंबर हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के खड़गपुर सदस्य, एंड काफ़ी टाइम से जो है एनजीओ के लिए वर्क करते आए हैं, वॉइस ऑफ वर्ल्ड है, और जो कि प्रोवाइड करते हैं एड टू विजुअली और फिजिकली चैलेंज स्ट्रीट चिल्ड्रन को। बात की जाए उनके करियर की तो रेसिडेंट रहा है उनका उलुबेरिया, एक सब डिविजन टाउन है हावड़ा में, उन्होंने अपना बचपन वहीं बिताया है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने करी थी एज अ सीनियर मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज से एट मुंबई। और पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इलेक्ट हुए हैं एज मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से फ्रॉम खड़गपुर सदर, एंड डिफीट करा था प्रदीप सरकार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जो कि बाय 3771 वोट से रहे थे 2021 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन। तो वही इलेक्ट करे गए थे एज अ काउंसलर ऑफ वार्ड 33 खड़गपुर म्यूनिसपैलिटी वेस्ट बंगाल से 2022 में। तो वहीं बात की जाए उनके फिल्म्स की तो पार्ट रह चुके हैं नवाब नंदनी, भालू बादशाह, भालू बादशाह, चिरो साथी, माँ अमार मार, अलौट पलौट, रेस्ट, मौनजे कोरे उरु, माचो मस्ताना, ले हलवा ले, मिस्ती छेलर, दुस्तू बुद्धि, मजनू, जमाई 420, मेहराली, जियो पागला, होई चोई अनलिमिटेड, जमाई बादल, थाई करी, जियो जमाई, जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स में ही नज़र आए हैं। बात की जाए कोयल मलिक की जो कि पीयू का रोल निभा रही थी इन द फिल्म,
वॉज बॉर्न एज रुक्मणी मलिक एंड इज एन इंडियन एक्ट्रेस और काफ़ी सारी बंगाली फिल्म्स में नज़र आई हैं। बेटी है ऑफ डॉक्टर ऑफ एक्टर सॉरी रंजीत मलिक की एंड मेड हर डेब्यू विद द फिल्म नाटेर गुरु मोन मानिना बेश करौची प्रेम करौची से। उनकी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स थी जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा उनके वर्क को पसंद कराया गया है। करियर की बात करें तो स्क्रीन डेब्यू हुआ था उनका अपोजिट एक्टर जीत और एक रनअवे सक्सेस रही थी नाटेर गुरु बॉक्स ऑफिस पर। तो वहीं रिलीज हुई थी 2003 में एंड मार्क्ड हर एंट्री इनटू टॉलीवुड एंड आल्सो वॉन हर फर्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल में फ्रॉम 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 फॉर द फिल्म। तो वहीं 2004 में स्टार्ट करा था देवी पाक्षा के साथ शुरू तुमी बादशाह द किंग और बंधन में और पहली दो परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी बेकार रही थी हालांकि बॉक्स ऑफिस पर। और बंधन जो कि एक ह्यूज सक्सेस साबित हुई थी बंगाल में और ब्लॉकबस्टर भी रही बॉक्स ऑफिस पर। सिर्फ इतना ही नहीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली फिल्म थी 2004 की। अदर देन दिस टेलीविजन पर भी करियर देखा गया है उनका जो कि पहला शो आया था यानी कि डेब्यू करा था जी बांग्ला के फर्स्ट शो महाल्या से ईयर 2007 में एज देवी महिषा सुर मर्दनी से और उनके काफ़ी सारे अवतार भी देखे गए थे। वॉज ऑल्सो अपियर्ड इन दीदी नंबर वन जो कि ईयर 2010 में आया था और सेलिब्रेट हुआ था एज हुई थी एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट। अदर देन दिस उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी रहे हैं जैसे कि काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए उन्होंने एड्स किए हैं कमर्शियल्स किए हैं टेलीविजन पर जैसे कि आपका TVS मोटर कंपनी है फेयर एंड लवली पैनासोनिक वैसलीन जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए काम कर चुके हैं। अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड विनर रही हैं ऑफ लाइक 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 में 2006 में कलाकार अवार्ड्स फॉर शुभदृष्टि जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म बोलो ना तुम्ही अमार 2010 में आई थी। स्टार जलसा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस BFJ अवार्ड फॉर हेमलॉक सोसाइटी एंड काफ़ी और भी अवार्ड रहे हैं साचा से हेमलॉक सोसाइटी के लिए उन्होंने जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड भी विन करा था। मिथिन माशी 2019 में उन्हें मिला था फॉर फ्रॉम द फिल्म्स एंड फ्रेम्स डिजिटल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस का। दोस्तों जानेंगे बंगाली मूवी जैकपॉट के बारे में जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2009 में और जिसको डायरेक्ट करा था कौशिक गांगुली ने। फिल्म में नज़र आए हैं हिरन चैटर्जी कोयल मलिक राहुल बैनर्जी साथ ही सुहिनी पॉल जो कि बेटी है तपस पॉल की। सुहिनी पॉल की ये सेकंड फिल्म रही है आफ्टर हर डेब्यू फिल्म बो बराक के बाद। एंड बात की जाए फिल्म का जो प्रोडक्शन किया गया था वो था श्री वेंकटेश फिल्म्स की तरफ से। प्रोड्यूस करी थी फिल्म श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी ने जबकि फिल्म में जो म्यूजिक ट्रैक रहा था वो रहा था जीत गांगुली का। बात करते हैं आखिर क्या स्टोरी लाइन रही है और जो कैरेक्टर्स रहे हैं उनका क्या रोल था इसमें। फिल्म जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है एक रियलिटी शो के जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय स्टार आनंदा जिसमें कि दो फाइनलिस्ट होते हैं अर्का जो कि हिल्स से है और डोडो जो कि सुंदरबंस से बिलोंग करता है जिनको टास्क दिए जाते हैं और दोनों ही फुलफिल करते हैं। डोरो को दी जाती है ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल की भवानीपुर पुलिस स्टेशन में जबकि अलका को ड्यूटी दी जाती है एक ड्राइवर की। 3 दिन और 2 नाइट की ये बैटल होती है उनके बीच में और प्राइज रहता है 1 करोड़ का जिसमें कि एक ने कुछ मिस्टेक्स करी थी जैकपॉट को जीतने के लिए जिसमें कि एंकर सुमन दे होस्ट बनते हैं और एक रनअवे है।
फ्रॉम द मेंटल हॉस्पिटल। मेहम जो है बिगिन करता है व्हेन पीयू की ओल्डर सिस्टर ब्रदर इन लॉ रिपोर्ट करते हैं भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, एंड अर्क जो कि जिसको पता चलता है पीयू के एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में। एज अर्क और डोडो दोनों ही डिस्कस हैं और दे यूज फेक नेम्स अपनी रियल आइडेंटिटी को कवर अप करने के लिए। अर्क बनता है जैकी और डोडो बनता है पोर्टा। दैट्स व्हाइल अर्क फ्लीज टू हिल्स विद पीयू अपनी जॉब जो है उसको फुलफिल करने के लिए और मनी विन करने के लिए। डोडो जाता है गोल्डर के साथ और मिट्टू के साथ स्टार्ट करता है चेस करना उन्हें, बट उन्हें पता नहीं होता है कि पीयू एक्चुअली किसके साथ है, मतलब अर्का के साथ, बट उन्हें नहीं पता होता। आफ्टर मच फज अर्का मैनेज करता है टू टेक पीयू टू हर लॉस्ट लव, एंड जो डोडो है वो कैच कर लेता है उन्हें। अर्का और डोडो दोनों ही क्राउन करने जाते हैं विद द चैंपियंस। अर्का डोनेट द एंटायर 50 लाख फॉर पीयूज मेंटल एक्सपेंसेस। डोडो डोनेट करता है अपने 50 लाख सेम पर्पस के लिए, सेम नोबल कॉज के लिए, और रिवील कर दिया जाता है कि जो डोडो और अर्का है दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड डोडो ने परसुएड करा था अर्का को कि वो पार्टिसिपेट करे शो में। मिटू और डोडो दोनों लव बर्ड्स बन जाते हैं वाइल अर्क अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो डिवोट करती है अनाथ आश्रम को, जो कि लोनली और मेंटली स्टैग्नेटेड है प्यू के लिए। पूरा टाइम और कंसंट्रेशन उसी को देती है। आखिरकार क्या कास्टिंग रही है और किसने अर्को का रोल निभाया, किसने प्यू का रोल निभाया, जानेंगे इनके बारे में। तो हिरन जो कि नजर आए थे एज अर्को और कोयल मलिक निभा रही थी पीयू का कैरेक्टर, जबकि राहुल देखे गए थे एज डोडो इन द फिल्म, सुहिनी पॉल देखी गई एज मिठू इन द फिल्म, विश्वजीत चक्रवर्ती नजर आए थे एज पुलिस इंस्पेक्टर बोरो बाबू, और देव नजर आए थे स्पेशल अपीयरेंस में फॉर द रीमेक द सॉन्ग जिबोने की पबोना। और फिल्म का जो साउंड ट्रैक रहा है मोस्टली दिया गया है बाय डिफरेंट सिंगर्स सच एज शान, जोजो, नचिकेता चक्रवर्ती, श्रेया घोषाल। दोस्तों साउंड ट्रैक की बात करी जाए तो फिल्म के जो साउंड ट्रैक्स रहे थे वो रहे सच एज जिबोने की पबोना, सेलिब्रिटी, भोला जीना, आरी आरी आज के हाथ बारी, आमी चंचला ही, काल के चिलम जाजब, पृथ्वी अनेक बोरो, और अप्रॉक्स देखा जाए तो लगभग आधे घंटे का साउंड ट्रैक रहा है फिल्म। तो दोस्तों जानते हैं जो स्टार कास्ट थी उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिरन के बारे में जो कि आर्को का रोल निभाते हुए नजर आए थे। हिरन यानी कि हिरन चाटर्जी जो कि एक टॉलीवुड फिल्म एक्टर हैं और साथ ही मेंबर हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के खड़गपुर सदस्य, एंड काफ़ी टाइम से जो है एनजीओ के लिए वर्क करते आए हैं। वॉइस ऑफ वर्ल्ड है और जो कि प्रोवाइड करते हैं एड टू विजुअली और फिजिकली चैलेंज स्ट्रीट चिल्ड्रन को। बात की जाए उनके करियर की तो रेसिडेंट रहा है उनका उलुबेरिया, एक सब डिवीजन टाउन है हावड़ा में। उन्होंने अपना बचपन नहीं बिताया है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने करी थी एज अ सीनियर मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज से एट मुंबई। और पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इलेक्ट हुए हैं एज मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से फ्रॉम खड़गपुर सदर, एंड डिफीट करा था प्रदीप सरकार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जो कि बाय 3771 वोट से रहे थे 2021 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन। तो वहीं इलेक्ट करे गए थे एज अ काउंसलर ऑफ वार्ड 33 खड़गपुर म्यूनिसपैलिटी वेस्ट बंगाल से 2022 में। तो वहीं बात की जाए उनके फिल्म्स की तो पार्ट रह चुके हैं नवाब नंदनी, भालू भाषा,
चिरो साथी, माँ अमार मार, अलट पलट, रेस्ट, मन जे करे ओरो, माचो मस्ताना, ले हलवा ले, मिस्ती छेलर दुस्तु बुद्धि, मजनू जमाई 420, मेहर आली जियो पागलक, होई चोई अनलिमिटेड जमाई बादल, थाई करी जियो जमाई, जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स में ही नजर आए हैं। बात की जाए कोयल मलिक की, जो कि पीयू का रोल निभा रही थी इन द फिल्म, इज वॉज बॉर्न एज रुक्मणी मलिक एंड इज एन इंडियन एक्ट्रेस और काफ़ी सारी बंगाली फिल्म्स में नजर आई हैं। बेटी है ऑफ डॉक्टर ऑफ एक्टर सॉरी रंजीत मलिक की एंड मेड हर डेब्यू विद द फिल्म नाटी गुरु, मोन मानिना, बेश करौची, प्रेम करौची से उनकी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स थी, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा उनके वर्क को पसंद करा गया है। करियर की बात करें तो स्क्रीन डेब्यू हुआ था उनका अपोजिट एक्टर जीत, और एक रनअवे सक्सेस रही थी नाटी गुरु बॉक्स ऑफिस पर, तो वहीं रिलीज हुई थी 2003 में एंड मार्क हर एंट्री इनटू टॉलीवुड एंड आल्सो वॉन हर फर्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल में फ्रॉम 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 फॉर द फिल्म। तो वही 2004 में स्टार्ट करा था देवी पाक्षा के साथ शुदू तुमी, बादशाह द किंग और बंधन में, और पहली दो परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी बेकार रही थी हालांकि बॉक्स ऑफिस पर, और बंधन जो कि एक ह्यूज सक्सेस साबित हुई थी बंगाल में और ब्लॉकबस्टर भी रही बॉक्स ऑफिस पर। सिर्फ इतना ही नहीं, हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली फिल्म थी 2004 की। अदर देन दिस टेलीविजन पर भी करियर देखा गया है उनका, जो कि पहला शो आया था यानी कि डेब्यू करा था जी बांग्ला के फर्स्ट शो महाल्या से ईयर 2007 में एज देवी महिषा सुर्फ मर्दनी से, और उनके काफ़ी सारे अवतार भी देखे गए थे। वॉज ऑल्सो अपियर्ड इन दीदी नंबर 1 जो कि ईयर 2010 में आया था और सेलिब्रेट हुआ था एज हुई थी एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट। अदर देन दिस उनकी कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी रहे हैं, जैसे कि काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए उन्होंने एड्स किए हैं, कमर्शियल्स किए हैं टेलीविजन पर, जैसे कि आपका TVS मोटर कंपनी है, फेयर एंड लवली, पैनासोनिक, वैसलीन जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए काम कर चुके हैं। अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड विनर रही हैं ऑफ लाइक 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 में, 2006 में कलाकार अवार्ड्स फॉर शुभ दृष्टि, जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म बोलो ना तुम्ही अमार 2010 में आई थी, स्टार जलसा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, BFJ अवार्ड फॉर हेमलॉक सोसाइटी एंड काफ़ी और भी अवार्ड रहे हैं सचाज हेमलॉक सोसाइटी के लिए उन्होंने जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड भी विन करा था। मिथिन माशी 2019 में उन्हें मिला था फॉर फ्रॉम द फिल्म्स एंड फ्रेम्स डिजिटल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस का। दोस्तों जानेंगे बंगाली मूवी जैकपॉट के बारे में, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2009 में और जिसको डायरेक्ट करा था कौशिक गांगुली ने। फिल्म में नजर आए हैं हिरण चैटर्जी, कोयल मलिक, राहुल बैनर्जी, साथ ही सुहिनी पॉल जो कि बेटी है तपस पॉल की। सुहिनी पॉल की ये सेकंड फिल्म रही है आफ्टर हर डेब्यू फिल्म बो बराक के बाद। एंड बात की जाए फिल्म का जो प्रोडक्शन किया गया था वो था श्री वेंकटेश फिल्म्स की तरफ से। प्रोड्यूस करी थी फिल्म श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी ने, जबकि फिल्म में जो म्यूजिक ट्रैक रहा था वो रहा था जीत गांगुली का। बात करते हैं आखिर क्या स्टोरी लाइन रही है और जो कैरेक्टर्स रहे हैं उनका क्या रोल था इसमें। फिल्म जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है एक रियलिटी शो के, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय स्टार आनंदा
जिसमें कि दो फाइनलिस्ट होते हैं, अर्का जो कि हिल्स से है और डोडो जो कि सुंदरबंस से बिलोंग करता है, जिनको टास्क दिए जाते हैं और दोनों ही फुलफिल करते हैं। डोरो को दी जाती है ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल की भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, जबकि अर्का को ड्यूटी दी जाती है एक ड्राइवर की। 3 दिन और 2 नाइट की ये बैटल होती है उनके बीच में, और प्राइज रहता है 1 करोड़ का, जिसमें कि एक ने कुछ मिस्टेक्स करी थी जैकपॉट को जीतने के लिए, जिसमें कि एंकर सुमन दे होस्ट बनते हैं और एक रन अवे है फ्रॉम द मेंटल हॉस्पिटल। मेहम जो है बिगिन करता है व्हेन पीयू की ओल्डर सिस्टर ब्रदर इन लॉ रिपोर्ट करते हैं भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, एंड अर्क जो कि जिसको पता चलता है पीयू के एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में। एज अर्क और डोडो दोनों ही डिस्कस हैं और दे यूज फेक नेम्स अपनी रियल आइडेंटिटी को कवर अप करने के लिए। अर्का बनता है जैकी और डोडो बनता है पोर्टा। दैट्स व्हाई अर्का फ्लीज टू हिल्स विद पीयू अपनी जॉब जो है उसको फुलफिल करने के लिए और मनी विन करने के लिए। डोडो जाता है गोल्डर के साथ और मिट्टू के साथ स्टार्ट करता है चेस करना उन्हें, बट उन्हें पता नहीं होता है कि पीयू एक्चुअली किसके साथ है, मतलब अर्का के साथ, बट उन्हें नहीं पता होता। आफ्टर मच फज अर्का मैनेज करता है टू टेक प्यू टू हर लॉस्ट लव, एंड जो डोडो है वो कैच कर लेता है उन्हें। अर्का और डोडो दोनों ही क्राउन करने जाते हैं विद चैंपियंस। अर्का डोनेट द एंटायर 50 लाख फॉर प्यूज मेंटल एक्सपेंसेस। डोडो डोनेट करता है अपने 50 लाख सेम पर्पस के लिए, सेम नोबल कॉज के लिए, और रिवील कर दिया जाता है कि जो डोडो अर्का है दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड डोडो ने परसुएड करा था अर्का को कि वो पार्टिसिपेट करे शो में। मिटू और डोडो दोनों लव बर्ड्स बन जाते हैं, वाइल अर्का अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो डिवोट करती है अनाथ आश्रम को, जो कि लोनली और मेंटली स्टैग्नेटेड है प्यू के लिए, पूरा टाइम और कॉन्सेंट्रेशन उसी को देती है। आखिरकार क्या कास्टिंग रही है और किसने अर्को का रोल निभाया, किसने पीयू का रोल निभाया, जानेंगे इनके बारे में। तो हिरन जो कि नजर आए थे एज अर्को, और कोयल मलिक निभा रही थी पीयू का कैरेक्टर, जबकि राहुल देखे गए थे एज डोडो इन द फिल्म, सुहिनी पॉल देखी गई एज मिठू इन द फिल्म, विश्वजीत चक्रवर्ती नजर आए थे एज पुलिस इंस्पेक्टर बोरो बाबू, और देव नजर आए थे स्पेशल अपीयरेंस में फॉर द रीमेक ऑफ द सॉन्ग जिबोने की पबोना। और फिल्म का जो साउंड ट्रैक रहा है मोस्टली दिया गया है बाय डिफरेंट सिंगर्स सच एज शान, जोजो, नचिकेता चक्रवर्ती, श्रेया घोषाल। दोस्तों साउंड ट्रैक की बात करी जाए तो फिल्म के जो साउंड ट्रैक्स रहे थे वो रहे सरताज जिबोने की पबोना, सेलिब्रिटी, भोला जीना, आरी आरी आज के हाथ बारी, आमी चंचला ही, काल के चिलम जाजब, पृथ्वी अनेक बोरो, और अप्रॉक्स देखा जाए तो लगभग आधे घंटे का साउंड ट्रैक रहा है फिल्म। तो दोस्तों जानते हैं जो स्टार कास्ट थी उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिरन के बारे में, जो कि आर्को का रोल निभाते हुए नजर आए थे। हिरन यानी कि हिरन चैटर्जी, जो कि एक टॉलीवुड फिल्म एक्टर हैं और साथ ही मेंबर हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के खड़गपुर सदर से, एंड काफ़ी टाइम से जो है एनजीओ के लिए वर्क करते आए हैं, वॉइस ऑफ वर्ल्ड है, और जो कि प्रोवाइड करते हैं एड टू विजुअली और फिजिकली चैलेंज स्ट्रीट चिल्ड्रन को। बात की जाए उनके करियर की तो रेसिडेंट रहा है उनका उलुबेरिया, एक सब डिविजन टाउन है हावड़ा में, उन्होंने अपना बचपन वहीं बिताया है। अपने
करियर की शुरुआत उन्होंने करी थी एज अ सीनियर मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज से एट मुंबई। और पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इलेक्ट हुए हैं एज मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से फ्रॉम खड़गपुर सदर, एंड डिफीट करा था प्रदीप सरकार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जो कि बाय 3,771 वोट से रहे थे 2021 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस। तो वहीं इलेक्ट करे गए थे एज अ काउंसलर ऑफ वार्ड 33 खड़गपुर म्यूनिसपैलिटी वेस्ट बंगाल से 2022 में। तो वहीं बात की जाए उनके फिल्म्स की तो पार्ट रह चुके हैं नवाब नंदनी, भालू भाषा, शिरो साथी, माँ अमार मार, अलौट पलौट, रेस्ट, मौन जे कोरे उरु, माचो मस्ताना, ले हलवा ले, मिस्ती छेलर, दुस्तु बुद्धि, मजनू, जमाई 420, मेहराली, जियो पागला, होई चोई अनलिमिटेड, जमाई बादल, थाई करी, जियो जमाई जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स में ही नजर आए हैं। बात की जाए कोयल मलिक की जो कि पीयू का रोल निभा रही थी इन द फिल्म, इज वाज बोर्न एज रुक्मणी मलिक एंड इज एन इंडियन एक्ट्रेस और काफ़ी सारी बंगाली फिल्म्स में नजर आई हैं। बेटी है एक्टर रंजीत मलिक की एंड मेड हर डेब्यू विद फिल्म नाटी गुरु मोन मानिना बेश करौची प्रेम करौची से। उनकी कुछ सेलेक्टेड फिल्म्स थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा उनके वर्क को पसंद करा गया है। करियर की बात करें तो स्क्रीन डेब्यू हुआ था उनका अपोजिट एक्टर जीत और एक रनअवे सक्सेस रही थी नाटी गुरु बॉक्स ऑफिस पर। तो वहीं रिलीज हुई थी 2003 में एंड मार्क्ड हर एंट्री इनटू टॉलीवुड एंड आल्सो वॉन हर फर्स्ट अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल में फ्रॉम 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 फॉर द फिल्म। तो वहीं 2004 में स्टार्ट करा था देवी पाक्षा के साथ शुरू तुमी, बादशाह द किंग और बंधन में, और पहली दो परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी बेकार रही थी हालांकि बॉक्स ऑफिस पर। और बंधन जो कि एक ह्यूज सक्सेस साबित हुई थी बंगाल में और ब्लॉकबस्टर भी रही बॉक्स ऑफिस पर। सिर्फ इतना ही नहीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग बंगाली फिल्म थी 2004 की। अदर देन दिस टेलीविजन पर भी करियर देखा गया है उनका जो कि पहला शो आया था यानी कि डेब्यू करा था जी बांग्ला के फर्स्ट शो महाल्या से ईयर 2007 में एज देवी महिषा सुर मर्दनी से और उनके काफ़ी सारे अवतार भी देखे गए थे। वॉज ऑल्सो अपियर्ड इन दीदी नंबर 1 जो कि ईयर 2010 में आया था और सेलिब्रेट हुआ था एज हुई थी एज अ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट। अदर देन दिस उनके कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी रहे हैं जैसे कि काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए उन्होंने एड्स किए हैं, कमर्शियल्स किए हैं टेलीविज़न पर, जैसे कि आपका TVS मोटर कंपनी है, फेयर एंड लवली, पैनासोनिक, वैसलीन जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए काम कर चुके हैं। अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड विनर रही हैं ऑफ लाइक 4th टेलीसिने अवार्ड्स 2004 में, 2006 में कलाकार अवार्ड फॉर शुभ दृष्टि, जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म बोलो ना तुम्ही अमार 2010 में आई थी, स्टार जलसा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, BFJ अवार्ड फॉर हेमलॉक सोसाइटी एंड काफ़ी और भी अवार्ड रहे हैं सच एज हेमलॉक सोसाइटी के लिए उन्होंने जी बांग्ला गौरव सम्मान अवार्ड भी विन करा था। मिथिन माशी 2019 में उन्हें मिला था फ्रॉम द फिल्म्स एंड फ्रेम्स डिजिटल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस का। दोस्तों जानेंगे बंगाली मूवी जैकपॉट के बारे में जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2009 में और जिसको डायरेक्ट करा था कौशिक गांगुली ने। फिल्म
में नजर आए हैं हिरण चैटर्जी, कोयल मलिक, राहुल बैनर्जी, साथ ही सुहिनी पॉल जो कि बेटी है तपस पॉल की। सुहिनी पॉल की ये सेकंड फिल्म रही है आफ्टर हर डेब्यू फिल्म बो बराक के बाद। एंड बात की जाए फिल्म का जो प्रोडक्शन किया गया था वो था श्री वेंकटेश फिल्म्स की तरफ से। प्रोड्यूस करी थी फिल्म श्रीकांत मोहता और महेंद्र सोनी ने, जबकि फिल्म में जो म्यूजिक ट्रैक रहा था वो रहा था जीत गांगुली का। बात करते हैं आखिर क्या स्टोरी लाइन रही है और जो कैरेक्टर्स रहे हैं उनका क्या रोल था इसमें। फिल्म जो कि रिवॉल्व अराउंड करती है एक रियलिटी शो के, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय स्टार आनंदा, जिसमें कि दो फाइनलिस्ट होते हैं, अर्का जो कि हिल्स से है और डोडो जो कि सुंदरबंस से बिलोंग करता है, जिनको टास्क दिए जाते हैं और दोनों ही फुलफिल करते हैं। डोरो को दी जाती है ड्यूटी पुलिस कांस्टेबल की भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, जबकि अलका को ड्यूटी दी जाती है एक ड्राइवर की। 3 दिन और 2 नाइट की ये बैटल होती है उनके बीच में और प्राइज रहता है 1 करोड़ का, जिसमें कि एक ने कुछ मिस्टेक्स करी थी जैकपॉट को जीतने के लिए, जिसमें कि एंकर सुमन दे होस्ट बनते हैं और एक रन अवे है फ्रॉम द मेंटल हॉस्पिटल। मेहम जो है बिगिन करता है व्हेन पीयू की ओल्डर सिस्टर ब्रदर इन लॉ रिपोर्ट करते हैं भवानीपुर पुलिस स्टेशन में, एंड अर्क जो कि जिसको पता चलता है पीयू के एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में। एज अर्क और डोडो दोनों ही डिस्कस हैं और दे यूज फेक नेम्स अपनी रियल आइडेंटिटी को कवर अप करने के लिए। अर्का बनता है जैकी और डोडो बनता है पोर्टा। दैट्स व्हाइल अर्का फ्लीज टू हिल्स विद पीयू अपनी जॉब जो है उसको फुलफिल करने के लिए और मनी विन करने के लिए। डोडो जाता है गोल्डर के साथ और मिट्टू के साथ स्टार्ट करता है चेस करना उन्हें, बट उन्हें पता नहीं होता है कि पीयू एक्चुअली किसके साथ है, मतलब अर्का के साथ, बट उन्हें नहीं पता होता। आफ्टर मच फज अर्का मैनेज करता है टू टेक प्यू टू हर लॉस्ट लव, एंड जो डोडो है वो कैच कर लेता है उन्हें। अर्का और डोडो दोनों ही क्राउन करने जाते हैं विद द चैंपियंस। अर्का डोनेट द एंटायर 50 लाख फॉर प्यूज मेंटल एक्सपेंसेस। डोडो डोनेट करता है अपने 50 लाख सेम पर्पस के लिए, सेम नोबल कॉज के लिए, और रिवील कर दिया जाता है कि जो डोडो अर्का है दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड डोडो ने परसुएड करा था अर्का को कि वो पार्टिसिपेट करे शो में। मिटू और डोडो दोनों लव बर्ड्स बन जाते हैं, वाइल अर्का अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो डिवोट करती है अनाथ आश्रम को, जो कि लोनली और मेंटली स्टैग्नेटेड है प्यू के लिए, पूरा टाइम और कॉन्सेंट्रेशन उसी को देती है। आखिरकार क्या कास्टिंग रही है और किसने अर्को का रोल निभाया, किसने पीयू का रोल निभाया, जानेंगे इनके बारे में। तो हिरन जो कि नजर आए थे एज अर्को और कोयल मलिक निभा रही थी पीयू का कैरेक्टर, जबकि राहुल देखे गए थे एज डोडो इन द फिल्म, सुहिनी पॉल देखी गई एज मिठू इन द फिल्म, विश्वजीत चक्रवर्ती नजर आए थे एज पुलिस इंस्पेक्टर बोरो बाबू, और देव नजर आए थे स्पेशल अपीयरेंस में फॉर द रीमेक ऑफ द सॉन्ग जिबोने की पबोना। और फिल्म का जो साउंड ट्रैक रहा है मोस्टली दिया गया है बाय डिफरेंट सिंगर्स सच एज शान, जोजो, नचिकेता चक्रवर्ती, श्रेया घोषाल। दोस्तों साउंड ट्रैक की बात करी जाए तो फिल्म के जो साउंड ट्रैक्स रहे थे वो रहे सजाज जिबोने की पबोना, सेलिब्रिटी भोला जीना, आरी आरी आज के हाथ बारी, आमी चंचला ही, काल के चिलम जाजब, पृथ्वी अनेक बोरो, और अप्रॉक्स देखा जाए तो लगभग आधे घंटे का साउंड ट्रैक रहा है फिल्म।
तो दोस्तों जानते हैं जो स्टारकास्ट थी उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिरन के बारे में जो कि आर्को का रोल निभाते हुए नजर आए थे। हिरन यानी कि हिरन चाटर्जी जो कि एक टॉलीवुड फिल्म एक्टर हैं और साथ ही मेंबर हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के खड़गपुर सदर से एंड काफ़ी टाइम से जो है एनजीओ के लिए वर्क करते आए हैं। वॉइस ऑफ वर्ल्ड है और जो कि प्रोवाइड करते हैं एड टू विजुअली और फिजिकली चैलेंज स्ट्रीट चिल्ड्रन को। बात की जाए उनके करियर की तो रेसिडेंट रहा है उनका उलुबेरिया, एक सब डिविजन टाउन है हावड़ा में। उन्होंने अपना बचपन वहीं बिताया है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने करी थी एज अ सीनियर मैनेजर रिलायंस इंडस्ट्रीज से एट मुंबई। और पॉलिटिकल करियर की बात करें तो इलेक्ट हुए हैं एज मेंबर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से फ्रॉम खड़गपुर सदर एंड डिफीट करा था प्रदीप सरकार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जो कि बाय 3,771 वोट से रहे थे 2021 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन। तो वहीं इलेक्ट करे गए थे एज अ काउंसलर ऑफ वार्ड 33 खड़गपुर म्यूनसिपैलिटी वेस्ट बंगाल से 2022 में। तो वहीं बात की जाए उनके फिल्म्स की तो पार्ट रह चुके हैं नवाब नंदनी, भालू भाषा, चिरो साथी, माँ अमार मार, अलौट पलौट, रेस्ट, मौनजे कोरे उरु, माचो मस्ताना, ले हलवा ले, मिस्ती छेलर, दुस्तु बुद्धि, मजनू, जमाई 420, मेहराली, जियो पागला, होई चोई अनलिमिटेड, जमाई बादल, थाई करी, जियो जमाई जैसी कुछ सिलेक्टेड फिल्म्स में ही नजर आए हैं।